चलो भाई चालू करते हैं अपन। कॉस्टिंग सोच के ही आया है सब्जेक्ट का नाम, जबकि सब्जेक्ट के नाम के साथ उसके अंदर के कंटेंट भी अच्छे खासे चेंज है। ओरिजिनली कॉस्टिंग का क्या नाम होता था, कुछ आइडिया? कॉस्ट मैनेजमेंट, और कुछ? एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब उन्होंने नाम फिर चेंज कर दिया, तो क्या नाम चेंज करने में कुछ कंटेंट में अंतर आता है कि भाई ऐसे ही टाइम पास है बस कर दो यार, 8 साल हो चुके हैं, नया सिलेबस लाना है तो कर दिया? नहीं, नाम में जो इन्होंने नाम रखा है ना, जब आप इसका सिलेबस अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो पूरा कंटेंट इन्हीं दो हेडिंग में बाइफर्केटेड है। वी आर नॉट अबाउट टू स्टडी द क्लेरिकल कॉस्टिंग। क्लेरिकल कॉस्टिंग का मतलब सिंपल, वो कॉस्ट शीट दे देता था आपको, बस ढूंढना है कौन सी चीज कहां रखना है, दैट्स ऑल। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज नोन एज क्लेरिकल कॉस्टिंग। क्लेरिकल कॉस्टिंग में आपको डिसीजन कुछ भी लेना नहीं होता, जस्ट सिंपली आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर मुझे कॉस्ट शीट बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, कौन से ट्रांजेक्शन कहां पे आते हैं। इट विल बी मोर देन सफिशियंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लेरिकल पोर्शन। जब आप फाइनल लेवल की कॉस्टिंग देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्लेरिकल पोर्शन के नाम से सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% है। और ये 10 to 15% जब मैं बोल रहा हूं, मैं आपको डेटा बताऊंगा, ये आईसीआई का डेटा है कि जो अपना लेवल हुआ करता था कॉस्ट का, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सिर्फ वो कॉस्टिंग आपको मदद करेगी कितने परसेंट के लिए, 10 to 15%, उससे ज्यादा उस कॉस्टिंग का कुछ भी रोल नहीं है। हेडिंग आए सब्जेक्ट की, आप क्या नाम है? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट नहीं बोला बेटा उन्होंने, वर्ड क्या बोला है? कॉस्ट मैनेजमेंट। और फिर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट रखा है, किसका? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का। क्या समझते हैं आप इस नाम से, कोई डिस्कशन करना चाहेगा? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द कॉस्ट। प्रॉब्लम क्या आज एक बिजनेसमैन को, आप कोई भी बिजनेसमैन को पूछिए आज, उसको पिछले 5-10 सालों में उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है। एज अ कस्टमर पहले अपन सोचे, अपन क्या चाहते हैं? दिन पर दिन क्वालिटी और अच्छी मिले उस प्रोडक्ट की, या उतनी ही मिले तो भी चल जाएगा? क्या एक्सपेक्टेशन है अपने एज अ कंज्यूमर? अच्छी मिले, मतलब आज जो भी अपन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में अपने को प्रोडक्ट रिप्लेस करना है तो अपन चाहते हैं आज जो अपने को उसको फीचर्स मिल रहे हैं, जो उसे परफॉर्मेंस मिल रहा है, वो आज के मुकाबले बहुत अच्छा हो या ठीक ठीक हो? बहुत अच्छा हो। तो दिन पर दिन एक्सपेक्टेशन कस्टमर की क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। एज अ कंज्यूमर वो चाहता है, अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं प्राइस एलिमेंट ज्यादा लूंगा, एज अ कंज्यूमर ही सोचे आप अभी क्या प्रॉब्लम आएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्वालिटी आज के मुकाबले बेटर होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या आप उस बेटर क्वालिटी के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो? एज अ कंज्यूमर सोचो पहले आप क्या चाहते हो, उतनी ही कीमत में, या और भी अंदर की इच्छा क्या है? और भी कम कीमत पे भाई हमें उससे बेटर क्या मिले? क्वालिटी मिले। मोर और लेस सभी एज अ कंज्यूमर यही सोचता है कि भैया आज के जो क्वालिटी है उससे बेटर मिले, प्लस जो प्राइस एलिमेंट हो वो पहले के मुकाबले उतना ही रहे, और अगर कम हो जाए तो मुझे और भी कस्टमर डिलाइट आ जाएगा, मेरे लिए और भी बेटर है। अब इन्हीं दो चीज को एक बिजनेसमैन के एंगल से सोचो कैसे मैनेज करे। कस्टमर दिन पर दिन क्वालिटी बेटर चाहता है, अगर मैंने नहीं दिया उसे वो क्वालिटी तो क्या प्रॉब्लम है? वो कॉम्पिटिटर के पास तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसको टाइम लगना ही नहीं है। पूरा वर्ल्ड आज एक मार्केट है ऑनलाइन के कारण, पहले होता था लोकल मार्केट, अब लोकल मार्केट जैसा कुछ भी नहीं रहा, पूरा वर्ल्ड आपके लिए एक मार्केट है। तो कंज्यूमर चाहता है उसे क्वालिटी ज्यादा मिले, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी ज्यादा दे सकता है, उसको प्रॉब्लम कहां पे है? प्राइस एलिमेंट में। कंज्यूमर चाहता है उसे क्वालिटी ज्यादा मिले, बेटर मिले फ्यूचर में, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या चाहता है, उसकी कॉस्ट उसको जो देना पड़े वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो यार एज अ बिजनेसमैन आपके पास अब पहले के मुकाबले पैसा आएगा कम, जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जरा देखो आप ये दोनों चीजें। एक बिजनेसमैन के लिए क्वालिटी बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है तो उसका खर्चा दिन पर दिन और बढ़ेगा, इन्फ्लेशन के कारण जो बढ़ना है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन अगर आप फीचर्स परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेटर करोगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपका कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? प्राइस कम हो जाए। बस यही आपको इंस्टीट्यूट पूरे सिलेबस में सिखाएगा कि आज सर्वाइव कर रही है कंपनी या नहीं कर रही, पहले बताइए। ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल है बिल्कुल हो रही है, या फ्यूचरिस्टिक जो मैंने बातें किया ये हो रही है? आज की टेंडेंसी है कि आज कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बिजनेसमैन कर पा रहा है लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसको अपनी कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। अब एक सेलर मार्केट नहीं रहा, सेलर मार्केट का मतलब मैं बताऊंगा क्या प्राइस होना चाहिए, मैं बताऊंगा मेरा प्रोडक्ट कब लॉन्च होना चाहिए, अब सेलर मार्केट नहीं रहा। अब सेलर मार्केट से बेहतरीन ट्रांजिशन आ चुका है किसमें? बायर्स मार्केट में।
अब बायर डिसाइड करता है उसे वो प्रोडक्ट किस प्राइस पर चाहिए, आपने अगर उस प्राइस पर नहीं दिया तो उसके बाद ढेरों चॉइस है, उसी प्रोडक्ट के लिए या बहुत कमजोर प्रोडक्ट के लिए, लगभग उसी प्रोडक्ट के लिए मान के चलो, बहुत चॉइसेस है उसके पास, वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ सेलर मार्केट से अब आप कहां जा रहे हैं, बायर मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको वहां पे कॉस्ट कंट्रोल करके कुछ भी नहीं पाओगे आप। आपने कॉस्ट कंट्रोल कर लिया उसका कोई महत्व ही नहीं है, आपको कॉस्ट को क्या करना है, मैनेज करना है, इस प्रकार से मैनेज करना है कि कंज्यूमर जिस प्राइस पर वो मांग रहा है उस प्राइस पर आप उसे डिलीवर कर पाओ एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी कमा पाओ। क्यों प्रॉफिट, क्यों आज अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो कल तो प्राइस और भी क्या होना है, कम होना है भाई। आज अगर प्रॉफिट नहीं कमाया तो कल तो प्राइस और भी कम होना है, और आरएनडी के लिए जब तक मेरे जेब में प्रॉफिट नहीं आएगा मुझे सर्वाइवल के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है दिन ब दिन क्वालिटी बढ़ेगी और प्राइस उसे क्या देना पड़े, कम देना पड़े। आप उसे नहीं सप्लाई करेंगे, कोई दूसरा बंदा उसको उसी कीमत पर या ज्यादा कीमत पर, उसी कीमत पर जो कौन एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर, उसी कीमत पर दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड आपका इसमें है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन आप कर सकते हैं मेरे साथ, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसमें, कृपया करके ये ना बोले फिर परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करेंगे इसमें कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये मेन है। इट्स नॉट सिंपल कि बस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लो, कोई भी डिस्कशन चालू रखना है हम लोगों को इसमें। हाँ जी, थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि वेरियांस एडवर्स आया या फेवरेबल आया उस टाइप से। क्या लगता है आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएशन क्या क्या एक टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जब हम जब चेक करेंगे कि हमने जो परफॉर्म किया वो उसी अकॉर्डिंगली किया या नहीं किया। बिल्कुल, इट इज वन ऑफ द टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब आप सिलेबस में देखेंगे ना, अपने सिलेबस में भी है, वो ऊपर नहीं मिलेगा आपको, कॉस्ट को मैनेज नहीं करता हो वो, परफॉर्मेंस को बस आप इवेल्युएट करेगा। चलिए, तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है मेरे परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और कुछ और कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं अपन अपना परफॉर्मेंस, यहां पे ये देखा जा रहा है सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ आप फाइनेंशियल जा रहे हो कि भैया हमारे इतने रुपए की लागत लगनी चाहिए थी और जो हमने एक्चुअली बनाया या बनाएंगे, क्या लगता है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब लगेगा, एक्चुअली बनाया या बनाएंगे, बनाया है ना। एक तो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि इसमें आना चाहिए, उसको कंपेयर किससे करेंगे हम, जो हमारा खर्चा एक्चुअली आया है हम उसको कंपेयर करके पता लगा लेते हैं यार हमारा वेरियांस एडवर्स है या हमारा वेरियांस फेवरेबल है। एडवर्स है तो हम चिंता करते हैं कि भैया क्यों एडवर्स आया, अगली बार से ये नहीं आना चाहिए। फेवरेबल है तो जनरली हम कोई मेहनत नहीं करते, हम अपने आप की बीट थपथपाते हैं, हाँ यार बहुत बढ़िया हुआ, गुड, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसमें, क्यों, फाइनेंशियली अनडाउटेडली आपका बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो इट डजंट मीन कि आपने परफॉर्मेंस बेटर किया है। सिंपल सा एक रूल ले लो, अगर मान के चलिए इकोनॉमी बहुत अच्छी प्रॉस्पेक्ट करे, ग्रो करे, ठीक है, पैसा ज्यादा आएगा तो फोर व्हीलर इंडस्ट्री ने में मारुति ने सोचा था कि यार ड्यूरिंग द पीरियड मुझे 1 लाख कार बेचना है, कितनी 1 लाख कार, वो अपना मार्केट शेयर मान के चल रहा था 25%, मार्केट शेयर कितना मान के चल रहा था वो 25%, वो कितनी कार बेचने की सोच रहा था, 1 लाख, ठीक है। अब मान के चलिए इकोनॉमी बहुत अच्छे बूम पर है तो मार्केट में अगर पैसा ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ेगा, स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ा, टोटल मार्केट ने 6 लाख कार बेचा, बजटेड कितना था इंडस्ट्री का 4 लाख, है ना, उस पर हमने कितना एक्सपेक्ट किया था हमारा 1 लाख, कि हमारा 25% मार्केट शेयर है तो हमारे को 1 लाख कार बेचना है 4 लाख में से। इंडस्ट्री में बेहतरीन बूम रहा, पूरे इंडस्ट्री ने कितनी कार बेचा 6 लाख। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने बोला मुझे 1 लाख कार बेचना था और मैं अगर 1,10,000 कार बेचा तो मैं यहां पे खुश हो जाता हूं कि यार बहुत अच्छा काम किया, आपने बजट को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया, लेकिन आपके लिए दिक्कत वाला काम है, आप फाइनेंशियली अनडाउटेडली पहले के मुकाबले थोड़ा सा ग्रो किए हो, लेकिन ये आपको नहीं भूलना चाहिए कि 1,10,000 कितने में से है, 1,10,000 कितने में से है, 6 लाख में से। तो ओवर द ईयर आपका परफॉर्मेंस गिर रहा है ना कि कम हो रहा है, वो लेवल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यहां पे रखा गया है क्लेरिकल पोर्शन में भी। दूसरा, ये तो हुआ फाइनेंशियली, कस्टमर के एंगल से वो कस्टमर आपको कैसे मेजर कर रहा है, कस्टमर का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों,
कस्टमर मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी अभी मैंने बोला बायर मार्केट में आप आ चुके हो, अब सेलर मार्केट बचा नहीं है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है तो आपका एक बैलेंस स्कोर कार्ड होना चाहिए। बैलेंस का मतलब उसमें फाइनेंशियल मेजर्स भी आए और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी आए। नॉन फाइनेंशियल में हम देखेंगे यार कस्टमर की रेटिंग हमारी कंपनी में कैसी है। हमारा अगर फाइनेंशियल पार्ट अभी थोड़ा कमजोर भी है और नॉन फाइनेंशियल हम बहुत अच्छे स्ट्रांग है तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज नहीं कमा पाए ना पैसा, हम कल कमा लेंगे क्योंकि कस्टमर परस्पेक्टिव हमारा बहुत बेटर है। फिर एक बंदे को इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है पूरे सिलेबस में और वो है एम्प्लॉय। निग्लेक्टेड पार्ट था और टोटली इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, वहां पे देखा ही नहीं जाता था भैया हाल से रोवन कुछ थोड़ा मोड़ा, तूने अच्छा काम किया ना एक काम करना, तू 10 रुपए ले जाता है पर आवर, तू 12 रुपए ले जा लेना, इससे ज्यादा आप एम्प्लॉय को कुछ मानते ही नहीं थे। उसको आपने एक प्रकार से खरीद लिया था कि तू परफॉर्मेंस अच्छा कर, हम तो तेरे को क्या दे देंगे 20% दे देंगे। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिखाएगा आज की तारीख में, अगर आपको एम्प्लॉय से 100% चाहिए तो आप सिर्फ पैसों का लालच देकर उसे नहीं कर सकते, आपको उसको अपने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन दिखना पड़ेगा। एक है कि ठीक है यार पेमेंट अच्छा मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एम्प्लॉय आपके यहां रिटेन रहेगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि आपके साथ जो बंदे जुड़े हैं आप उन्हें फाइनेंशियल दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उन्होंने अच्छा काम किया आप बोनस दे रहे हो, लेकिन क्या बोनस देने के अलावा उनका जो मेंटेलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, क्या वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड है, क्या उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग मिल पा रही है, क्या वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है या नहीं, ये पूरी चीजें आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कवर किया गया है। ओवरऑल अगर पिक्चर देखे तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्लेरिकल काम जैसा कुछ भी करना ही नहीं है, पूरा आपको कॉस्ट को मैनेज करना है। एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के रूप में आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक अकाउंटेंट के रूप में नहीं, कैलकुलेटर चला लिया अपन ने, कैलकुलेशन करके अपन ने सामने वाले को दे दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन करूंगा यहां पर, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईफे ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया था 1 जुलाई को, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी था, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आईसीए की वेबसाइट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेबस में स्किल असेसमेंट। जब आप स्किल असेसमेंट देख रहे हैं ना नए सिलेबस का, ड्रास्टिक चेंजेस में आप पहले आप ये ऊपर की मैं चाहूंगा हेडिंग पढ़े आप, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आप अपनी एक माइंडसेट नहीं बना पाएंगे कि यार हमें किस तरीके से न्यू सिलेबस में अप्रोच करना है। 3 लेवल रखे गए आपके ऑटो पेपर के, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 किस बारे में बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, देखते क्या चीज होती है। लेवल 2 एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बोल रहा है, एंड लेवल 3 इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस के बारे में बोल रहा है। और अब अगर मैं अपने कॉस्टिंग पेपर की बात करें अपन, तो इसका ये लेवल रहा है, आप मान के चलिए 99% ओल्ड सिलेबस में ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी होता ही नहीं था, कॉस्टिंग में नहीं कोई भी सब्जेक्ट में, लास्ट वाला जो पोर्शन है नाम बोल रहा हूं उसका, इवेल्यूशन एंड सिंथेसिस, ये वाला पोर्शन होता ही नहीं था, जो पिछला सिलेबस जिसको अपन बोलेंगे ओल्ड सिलेबस उसमें होता ही नहीं था। ये दो पार्ट जरूर होते थे, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज भी होता था ओल्ड सिलेबस में, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस तो डेफिनेटली होता ही होता था। क्या फर्क है पहले तो इसमें आप ये वर्ड समझिए, आप कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन, इवेल्यूशन एंड सिंथेसिस, इनका अपना एक लेवल है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नॉलेज द स्टार्टिंग पॉइंट, नॉलेज के बाद एप्लीकेशन आना है, अभी देखते हैं इसमें क्या मतलब है इसका। एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस हो पाएगा, एनालिसिस के बाद इवेल्यूएशन एंड लास्ट स्टेप इज सिंथेसाइज। नॉलेज, नॉलेज का मतलब सिंपल है, जो लिखा हुआ है क्या आप वो समझ पाए, जैसे एक डेफिनेशन ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सभी को पता है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, हाँ आपको नॉलेज है ब्रेक इवन पॉइंट का, जस्ट कितने परसेंट लेवल रखा गया फाइनल में सब्जेक्ट में कॉस्टिंग में, फिर 10 to 15%, आप मान के लिए 15% भी नहीं जाएगा, जो उन्होंने पैटर्न रखा है वो मैक्स टू मैक्स 10% ही जाएगा, मतलब आपका नॉलेज बेस क्या चीजें होती है क्या होता है ये बस आपको कितने नंबर दिला पाएगा 10 marks मैक्स टू मैक्स, है ना, वो 15 में भी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता उन्होंने जो मॉड्यूल डिजाइन किया उसके हिसाब से। अब सेकेंड पार्ट आते हैं, नॉलेज मतलब भाई ब्रेक इवन क्या होता है मुझे पता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है बताना, लेवल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस में क्या अंतर है, और फिर अपन ढूंढेंगे एनालिसिस और इवेल्यूएशन में क्या अंतर है, क्योंकि ये टेक्निक आपको गैदर करना है पूरे सिलेबस में,
तब जाके अपन आईसीए की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें फुलफिल कर पाएंगे। नॉलेज तो समझ में आ गया कि ये मुझे पता है ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन को हम ब्रेक इवन बोलते हैं। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है ब्रेक इवन अचीव करने के बाद, वो टेक्निकल वर्ड एमओएस बोलते हैं जिसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वहां से मैं प्रॉफिट कमाना अर्न करता हूं बस। जस्ट इसका जो नॉलेज है वो हम उसको लेवल वन में डाल देंगे, वो हमारे लिए 10 to 15% ही काम कर। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट अप्लीकेशन, ये भी बहुत सिंपल है, ये आईपीएफ लेवल पे आपने बहुत किया है। अप्लीकेशन का मतलब यार ब्रेक इवन आपको पता है, वो सिचुएशन देता है, आप ब्रेक इवन क्या कर देते हो सिंपली कैलकुलेट कर देते हो। दिस इज नोन एज अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो आपको था क्या आप उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन न्यूमरिकली अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिंपली अप्लीकेशन। जो पार्ट आपका चालू होता है फाइनल में वो यहां से स्टार्ट होता है। दिस इज नॉट द बिग गेम जो मैंने अभी आपको बोला, कौन सा नॉलेज और अप्लीकेशन, दे आर वेरी सिंपल पार्ट, वो उनका सिलेबस में कंटेंट भी डेफिनेटली बहुत कम रहेगा। और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, शेयर करना भैया ना जो भी आपको विचार है इसमें, एप्लीकेशन और एनालिसिस दोनों में अंतर क्या, एनीवन? ऐसे नहीं बोलेंगे, मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन मतलब आपने ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लिया, थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड लगा के सोच रहे हैं, या उसने जो सिचुएशन दिया है उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं, यार इन्होंने जो ब्रेक इवन निकाला, यहां पे ध्यान देना है दोनों में लगभग मिलते जुलते वर्ड है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, इवेल्युएशन और एनालिसिस पार्ट में। एनालिसिस पार्ट में आप सिर्फ ये देखते हैं सामने वाला जो हमें बोल रहा है उसको हमें कैसे अडॉप्ट करके सिचुएशन में कैलकुलेट करना है या हमें हमारा डिसीजन देना है, उसमें आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे, जजमेंट नहीं यूज है। अगर एनालिसिस में जजमेंट यूज है तो यही पार्ट किसमें शिफ्ट हो जाएगा, इवेल्युएशन में। बहुत बारीक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों में। एनालिसिस मतलब सामने वाला जैसा बोल रहा है मैं उसको अपने लेवल पर इंटरप्रेट कर लूं और जैसा वो बोल रहा है मैं उसे डिसाइड करके दे दूं। और एप्लीकेशन पार्ट मतलब सिंपली कुछ आपको इंटरप्रेट नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। यहां पे एनालिसिस में आ जाएगा, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करेगा, वो सिंगल प्रोडक्ट ना देकर दो तीन प्रोडक्ट देगा, वो एक रेशियो बता देगा कि मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इस मंथ एंड तक मुझे अचीव करना है, आप मुझे अचीव करके बता दीजिए। मतलब आपको ये नहीं बताना है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, आप गलत जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो ये पार्ट कहलाएगा एनालिसिस। लेकिन थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें आएंगे, जैसा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू या पीवी रेशियो। ये हो गया कौन सा पार्ट बताना, एप्लीकेशन पार्ट है ना। एनालिसिस पार्ट कितने प्रोडक्ट दे देगा आपको, दो तीन दे देगा, फिक्स कॉस्ट के कई सारे बायफर्केशन दे देगा और वो अपनी सोच बता देगा कि मुझे इस मंथ एंड तक क्या करना है भाई, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है, आप मुझे अचीव करके बताइए क्या उसका डेटा आएगा। तो आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है जैसा उसने बोला है, अपना जजमेंट यूज नहीं करना, बस आपको इंटरप्रिटेशन लगेगा कि यार बोलना क्या चाह रहा है सामने वाला, दैट इज नोन एज एनालिसिस। अब एनालिसिस और इवेल्युएशन में क्या अंतर हुआ, अभी अभी बोला था मैंने, एनालिसिस मतलब जैसा उसने बोला है फिर मुझे लैंग्वेज में पकड़ चाहिए, किसमें पकड़ चाहिए, मेरी लैंग्वेज में, जो वो बोल रहा है मैं उसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, दिस इज एनालिसिस। इवेल्युएशन जो बोल रहा है वो तो मुझे समझ में आ ही रहा है, मैं ये भी चेक कर रहा हूं क्या मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से जो सामने वाला कर रहा है कैलकुलेशन, जो टेक्निक वो अडॉप्ट करना चाह रहा है वो प्रॉपरली है या नहीं है। मतलब मुझे मेरा जजमेंट जहां पे यूज करना पड़ेगा मैं उसी एनालिसिस पार्ट को क्या बोलूंगा, इवेल्युएशन। एंड द क्रीम पार्ट ऑफ पूरा न्यू सिलेबस का सिंथेसिस, व्हाट इज सिंथेसिस, सुना है वर्ड आपने कहीं पे? अरे वो नहीं रे बहुत बढ़िया, सिंथेसिस का यहां पे मतलब क्या होगा, दिस इज द क्रीम पार्ट है ना, यही क्रीम पार्ट एक बच्चे को डिफरेंशिएट करेगा ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। बाकी तो ठीक है, इवेल्युएशन पार्ट भी थोड़ा मोड़ा होता था, बहुत कम 5-7%, लेकिन अब वो बढ़ चुका है। और सिंथेसिस जो पार्ट है ये बहुत क्रीम पार्ट है, इसमें न्यू आइडिया जनरेशन, वो बिल्कुल आपको ब्लैंक छोड़ देगा, विश्वास नहीं मानेंगे 4 से 10 लाइन का क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा इसमें, सिंथेसिस आपको पहुंचा देगा बैंक है ना।
वो बोलेगा ये क्लाइंट है, अपना बैंक है, ये ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहा है बैंक आज, है ना। अब ये चाहता है इसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए इसे कौन कौन से परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के मेजर रखना है, आप ये जरा हमें सजेस्ट कीजिए। मतलब टोटली आपको अपना ब्रेन यूज करके न्यू आइडिया जनरेट करके, जो आपने टेक्निक्स पढ़ा एनालिसिस और इवेल्यूशन में क्या होगा, जो टेक्निक का क्वेश्चन पूछा है बस वहीं पे आपको चार बाउंड्री में रहना है। सिंथेसिस में आपको तीन से चार मिनिमम जो भी टेक्निक है, न्यूमरस टेक्निक आपके सिलेबस में रखी गई है, उन सबको मिलाकर, मतलब एक ले लो आप टीक्यूएम, टीक्यूएम स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये एनालिसिस में भी कवर होता है, इवेल्यूशन में भी कवर होता है, जस्ट इन टाइम। जेआईटी जिसे अपन बोलते हैं, सिंथेसिस का मतलब वो क्वेश्चन टीक्यूएम का नहीं पूछ रहा है, वो क्वेश्चन जेआईटी का नहीं पूछ रहा है, वो दोनों का मर्ज कर रहा है, वो जेआईटी भी लगाना चाहता है, वो टीक्यूएम भी लगाना चाहता है, और जेआईटी के साथ वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में भी आपको पूछ रहा है, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहां पर हमारे लिए वैलिड है या नहीं है। मतलब मल्टीपल स्किल रिक्वायर्ड होगी, कौन से पार्ट के लिए, सिंथेसिस पार्ट के लिए, और होता भी यही है, होता भी यही है, जब आपसे क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम शेयर करता है तो सिर्फ एक उसका मेडिसिन नहीं बोलेंगे अपन, कई सारी चीजें आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके वाली प्रॉब्लम क्या कर पाओगे आप, इवॉल्व कर पाओगे। तो इसमें थोड़ा सा आपके ब्रेन का, इनोवेशन का ज्यादा बड़ा रोल है, क्यों, कौन से पार्ट में, सिंथेसिस पार्ट में, और ये क्रीम पार्ट माना जाएगा लेवल 3 इवोल्यूशन एंड सिंथेसिस, जो पहली बार न्यू सिलेबस में ड्राफ्टेड है। और जरा कॉस्टिंग में परसेंटेज देखिए कितना है, 35-40%, और जब आप मॉड्यूल देखेंगे जो उन्होंने नया लॉन्च किया है, ये बिल्कुल इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको इसका एप्लीकेशन, इससे कम कोई हालत में नहीं मिलना है। कहने का मतलब एक बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूं, क्लास में आना और सोचना, अब ये आपको पास या रैंक नहीं दिला सकता, यू टू अप्लाई योर ब्रेन। आप होमवर्क कर रहे हैं, दो होमवर्क है आपके पास, होमवर्क आता हूं उस पर, है ना, आता हूं, आप दो होमवर्क कर रहे हैं, आपने कैलकुलेटर चला लिया, बल लिख दिया, बोले क्या फाइन लगेगा, 20 रुपए तो लगेगा, दे देंगे, दिस विल नॉट वर्क। हाँ कभी कभार चलता है, मान लो 70 डेज की बैच है, 2-4 दिन होमवर्क नहीं किया, 101 रुपए लग गया फाइन के, टोटल में चल जाएगा, लेकिन लगातार अगर वो नहीं करना, मतलब अपन कौन सा पार्ट अपना कमजोर कर रहे हैं, इवेल्यूएशन एंड सिंथेसिस। इवेल्यूएशन में क्या जरूरत है, वर्ड बोलना, जजमेंट, मतलब उसमें भी एक सोच की जरूरत है, और टोटली न्यू आइडिया, मतलब 4 से 8 लाइन के क्वेश्चन अपन ने अपने नोट्स में रखे है, 4 से 8 लाइन का क्वेश्चन है और वो आपको कितने नंबर है, 10 मार्क्स, मतलब उसमें फुल टू आपको न्यू आइडिया इनोवेट करना है। बैंक है, मेरी बैंक है, मेरे क्लाइंट ने बोला है मेरा एक परफॉर्मेंस इवेल्यूशन डिजाइन करके दो, तो आपको अलग अलग टेक्निक मिलाकर वो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन उसको डिजाइन करके देना है। तो अपने सिलेबस में तो कम से कम ये कम रखा गया है, अगर आप दूसरे सिलेबस की बात करेंगे तो SFM में तो ये हाईएस्ट रखा गया है, 50 से 60%, और इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बच्चे मिलते हैं सर नया सिलेबस इतना टफ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या आप ही अपियर हो रहे हो क्या नए सिलेबस में, नहीं ना, बहुत सारे बच्चे अपियर होंगे, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कि 0% आ रहा है, आएगा ना, सबके साथ परेशानी क्या है, सेम है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। और ये गारंटी, ऐसा नहीं कि आप न्यू सिलेबस है इसलिए बोल रहा हूं, जब आप कंटेंट देखेंगे तो ये जो कंटेंट है ये इंडस्ट्री रेडी कंटेंट है, मतलब आपको जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है जिस बात के, वो लाखों रुपए का पैकेज आपको देना चाहती है, वो ये पैकेज है। क्योंकि आप देखिए ना पहला पार्ट नॉलेज, यार ये तो किसी को भी हो जाएगा, बीईपी क्या, कौन सी बड़ी बात है, बीकॉम वाला भी पढ़ता है, बीकॉम चल रही होगी तो देखा होगा आपने, उसमें भी है, उसमें क्या बड़ी बात है, एप्लीकेशन तो और भी घटिया चीज, कोई मतलब नहीं। एनालिसिस पार्ट अनडाउटेडली इंटरमीडिएट में भी रहता था, तो आपने फाइनल में आके कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर दिया, आपने एनालिसिस कर लिया, तो मेन पार्ट जो है वो इवेल्यूएशन और सिंथेसिस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करता है कि यार मैं चार्टर्ड को अगर कंसल्टेंसी ले रहा हूं, मैं चार्टर्ड को अगर अपॉइंट कर रहा हूं, तो वो मुझे ब्रेन यूज करके दे, कुछ नया करके दे, मुझे रटी रुटाई टेक्निक नहीं चाहिए। तो अब जब पूरा सिलेबस देखेंगे तो पूरा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आप नेट पे जरूर सर्च करिएगा ना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत जरूरी है, आप अपना सिलेबस देखिएगा, और मैं दो इंस्टीट्यूट के नाम लिख रहा हूं इंटरनेशनल बॉडी के, एब्रीवेशन है दोनों, 99 भी नहीं, 100% सिलेबस इन दो इंस्टीट्यूट का, यहां पे होता है इनका पेपर नंबर 2 और ACCA में है पेपर नंबर F5, इन दोनों का अगर आप सिलेबस मर्ज कर देंगे तो अपना कॉस्टिंग का सिलेबस बना है, आप देखिएगा जरूर इसको, नेट पे डिटेल अवेलेबल है। पेपर 2 टाइप कीजिएगा, किसमें, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट में उसका सिलेबस, और ACCA अकाउंटिंग फॉर बॉडी है वो, तो F5 उनका पेपर है। अगर इन दोनों सिलेबस को अगर आपने मर्ज कर दिया तो आपको फाइनल का सिलेबस आपका मिल जाएगा। सीमा ज्यादा फोकस करता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे,
मतलब जो पहला पार्ट। और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे बहुत बड़ा फोकस है किसका, ACCA का। इंस्टीट्यूट ने दोनों सिलेबस को मर्ज करके आपको दिया है, और यहां पे सिलेबस में आपको बताऊं हर साल चेंज होता है। आप देखेंगे वेबसाइट, इन दो इंस्टीट्यूट का सिलेबस एवरी ईयर गो फॉर चेंज। जो अटेम्प आ रहा है उसके लिए वो सिलेबस डिजाइन करते हैं, और जो आज का सिलेबस उनका डिजाइंड है रिसेंटली उसके हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, मतलब एट पार विथ इंटरनेशनल लेवल है। तो बस कम्युनिकेट यही करना चाहता हूं, अनडाउटेडली थोड़ी मेहनत आपकी भी ज्यादा है, हमारी भी ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है न्यू सिलेबस में। बस आपको दो चीजों से आपको लगाव रखना पड़ेगा थोड़ा, क्या क्या, इवेल्यूशन एंड सिंथेसिस। इवेल्यूशन मतलब जजमेंट हमें यूज करना है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, कुछ भी नया आ जाता है शुरुआत में। जब इस रास्ते में जाओगे ना आप लेवल थर्ड में, तो अनडाउटेडली दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, आएगी, लेकिन अगर अपन वहां पे लगे रहे, गिव अप नहीं किए, तो बिल्कुल अटेम्प्ट के पहले अपन प्रिपेयर हो जाएंगे कि यार अपन भी नए आइडिया दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें अपन भी सोच पा रहे हैं, अपन भी जजमेंट यूज कर पा रहे हैं, वो जो टेक्निक यूज कर रहा है क्या वो अप्रोप्रिएट टेक्निक है या नहीं है। तो सिलेबस बहुत अच्छा ड्राफ्टेड है, तो आप ये लिख दीजिए पहले। सबसे पहला पार्ट है इसका नॉलेज, स्किल रिक्वायरमेंट, एफर्ट डाल दीजिए आप, ताकि जब भी आप पढ़े आपके माइंड में ये रहे कि हमारे को फोकस किस पे करना है। स्किल रिक्वायरमेंट, स्किल रिक्वायरमेंट, पार्ट वन लिखिए नॉलेज, पार्ट वन नॉलेज, सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट एनालिसिस, पार्ट नंबर फोर इवैल्यूएशन, एंड लास्ट पार्ट सिंथेसिस। अब उस पर डैश करके आप मार्क्स लिख दीजिए लगभग। नॉलेज पार्ट में आपके 10 to 15 मार्क्स, नॉलेज पार्ट में 10 to 15 मार्क्स, फिर एनालिसिस और एप्लीकेशन को ऐसा जोड़कर उस पर लिखिए आप 45 to 55 मार्क्स, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन 45 to 55 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट आपका इवेल्यूशन एंड सिंथेसिस कंबाइंडली दिया है इसको 35 to 40 मार्क्स, है ना। उसके ब्रैकेट में जरूर लिखिए आप, इवेल्यूशन के ब्रैकेट में जजमेंट रिक्वायर्ड, ताकि बाद में वर्ड आपको क्लिक करे। इवेल्यूशन वाले पार्ट में जजमेंट रिक्वायर्ड बाय एग्जामिनर, एंड सिंथेसिस पार्ट में लिखे न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज एंड एप्लीकेशन ऑफ, एन एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर टेक्निक्स, एन एप्लीकेशन ऑफ टू और मोर टेक्निक्स एट द सेम टाइम। अब बात करते हैं अपन अपने सिलेबस की। लिखे भाई सिलेबस क्या क्या है, मेजर टॉपिक वो लिखते हैं, पूरा सिलेबस तो नहीं लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेन मेन जो आपके टॉपिक है वो अपन हेडिंग डाल रहे हैं। पहले आप प्रैक्टिकल पोर्शन कर दीजिए इसमें, सिलेबस में प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल पोर्शन में मैं सबसे पहले लिखूंगा हूं एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग,
इसका एब्रीवेशन लिखना, एब्रीवेशन ज्यादा यूज होता है इसका, ब्रैकेट में एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ब्रैकेट में एबीसी। सेकंड टॉपिक प्रैक्टिकल में रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग। इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं, आप अगर मॉड्यूल देखेंगे आपको ये वाला टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा रेलिवेंट कॉस्टिंग के नाम से, फिर भी आप और मैं इसको पढ़ेंगे, उतना इनडेप्थ नहीं पढ़ेंगे जितना ओल्ड सिलेबस में होता था अनडाउटेडली, लेकिन अच्छा खासा पढ़ना है आपने को इसमें। रीजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल वन से लेवल टू में जाना है, फिर लेवल टू से कहां पे जाना है लेवल थ्री में। इस चैप्टर के बिना आप लेवल थ्री को इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो चैप्टर अपने को पढ़ना है, आप मॉड्यूल में देखेंगे तो डायरेक्टली इसके नाम से आपको कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन इसका कंटेंट रेशियो डेफिनेटली रहेगा। जो लेवल थ्री की स्किल है ना, उसको एक्वायर करने से पहले अगर आपने लेवल टू में रेलिवेंट कॉस्टिंग की सोच डेवलप नहीं किया, तो एक जो कॉस्टिंग का माइंडसेट होता है डिसीजन मेकिंग का, वो फिर नहीं आ पाएगा। तो ना लिख देना, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इन सिलेबस, बट रिक्वायर्ड एट लेवल थ्री। लेवल थ्री मतलब इवेल्यूशन एंड सिंथेसिस। फिर लिखिए आप नेक्स्ट टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, प्राइसिंग डिसीजन नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें भी अच्छा खासा चेंज आया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे वेरियांस कैलकुलेट करने के, उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, अगेन इसमें एब्रीवेशन ज्यादा यूज होगा, डीपीपी। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सीपीएस। ये प्रैक्टिकल टॉपिक, मतलब जो अपनी एक आदत है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल टॉपिक में, कैलकुलेटर उठाया करा, ये सब चीजें यहां पे मिलेगी। लगभग मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स, क्या लगता है अभी आपको, ये जितने भी टॉपिक होंगे ये कितने मार्क्स कवर करते हैं अभी तक के डिस्कशन के बाद, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल टॉपिक बोला इसको। इसमें मैक्स टू मैक्स आप माने 50 से 55 नंबर से ऊपर ये वाले टॉपिक नहीं आएंगे। जो बचे हुए टॉपिक है, जो लेवल थ्री है, वो लेवल थ्री इनको बिलोंग नहीं करता, इनको जो बिलोंग करता है वो लेवल टू बिलोंग करता है। मतलब आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको एनालिसिस आना चाहिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो इंटरप्रेट करके चीजें क्या कर दीजिए, आप फाइंड आउट कर दीजिए। अब जो अपना सेकेंड पार्ट है, वो पार्ट किसके लिए डेडिकेटेड है, पूरा इवेल्युएशन और सिंथेसिस के लिए। लिखिए अब नेक्स्ट पार्ट आपके टॉपिक स्पेशली डिजाइन फॉर लेवल थ्री। टॉपिक स्पेशली डिजाइन फॉर लेवल थ्री, ऐसा नहीं कि ये न्यू सिलेबस में ही थे, पुराने सिलेबस में नहीं थे। कुछ टॉपिक आप देखेंगे तो पुराने सिलेबस में भी थे, लेकिन वो लेवल के नहीं थे जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है सिलेबस में। सबसे पहला टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें टोटल 5 टॉपिक कवर्ड है, जेआईटी, काइजन, 5S, टीपीएम एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग।
ये टॉपिक आप मान के चलिए, नहीं तो भी आपको 10 मार्क्स मिनिमम मिनिमम कवर करेगा लीन मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि तो जितने टॉपिक इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे रखे हैं इंडिया में, अगर कोई सालों से अप्लाई हो रहे हैं 15-20 सालों से, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। काइजन कॉस्टिंग, 5S, TPM एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस इनोवेशन, अभी अपन एब्रिविएशन ज्यादा यूज करते हैं ना, तो अननेसरी बहुत टाइम लग जाएगा इस पार्ट में, सिलेबस में। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TOC ये बहुत यूनिक टॉपिक रखे गए हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। अब बताइए वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या चीज से मिलकर बनती है? डायरेक्ट मटेरियल आता है वेरिएबल में? डायरेक्ट मटेरियल आता है क्या? बिल्कुल, डायरेक्ट लेबर वो भी आता है, और क्या क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट बोला मैंने, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल तो आता ही है, डायरेक्ट लेबर भी आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं जो वेरिएबल पोर्शन है। सेलिंग ओवरहेड का कौन सा पोर्शन आता है? वेरिएबल पोर्शन आता है। ये TOC जो टेक्निक है, ये आज का कॉस्टिंग सिस्टम है जो बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल से मिलकर बनती है, बाकी सभी खर्चे जो अपन डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड बोलते हैं, दे आर नॉट द वेरिएबल कॉस्ट, दे आर इनडायरेक्टली फिक्स कॉस्ट। तो बहुत नई टेक्निक है और बहुत सालों से यूज हो रही है वर्ल्ड में, इंडिया में अभी लास्ट डेकेड में ही इसको अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। TOC थ्योरी ऑफ कंस्टेंट जो बोलता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल, उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे, बट दे आर नॉट वेरिएबल कॉस्ट, दे आर फिक्स कॉस्ट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग सिस्टम है थ्योरी ऑफ कंस्टेंट। फिर आप इसमें लिखिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। मैं मेजर टॉपिक लिखा रहा हूं, ऐसे तो सिलेबस आपके बहुत बड़ा है, एक बस एक ब्रीफ आइडिया आ जाए अपने को किस डायरेक्शन में पढ़ना है। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कोई लीगलिटी नहीं है आज की तारीख में इंडिया में कि आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करना है। एक इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा है कि यार एक चार्टर्ड को सिखाएंगे तो इनडायरेक्टली आगे चल के वो फ्यूचर में उसको अप्लाई करेगा ना, कोई लीगल मैंडेटरी नहीं है कि आप एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करें। फिर आप इसमें लिखिए BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ऐसे न्यूमरस टॉपिक अभी और भी है छोटे छोटे, वो नहीं लिख रहे अपन, एंड अदर स्मॉल टॉपिक्स। ये मेजर पार्ट है आपका, और मैं वापस रिपीट कर दूं, ये सभी पार्ट कौन से लेवल के लिए है? Level 3 इवेल्यूएशन एंड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू सिलेबस का, जो करीबन आपका 40 मार्क्स के आसपास कवरेज रखेगा 100 मार्क्स में से। चलिए कुछ और अब इसमें बातें, क्लास नोट्स हो जाएंगे, बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें 100% मॉड्यूल तो कवर होना ही होना है। जो थीम है, कहां की थीम है? दो इंस्टीट्यूट बोलना, ACCA और दूसरा सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने अपने नोट्स में भी रखा है, ताकि लेवल मोर और लेस वही आना है, क्योंकि सिलेबस वहां से लिया गया, तो उनका जो लेवल है क्वेश्चन का, डेफिनेटली उनके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उनका एक का 25 नंबर का आता है और दूसरे का पहला क्वेश्चन ही 50 नंबर का आता है। हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सीमा का पहला क्वेश्चन 25 नंबर का मिलेगा, पेपर है अवेलेबल, आप देखिएगा, और उसका ACCA का पहला क्वेश्चन ही 50 नंबर का आता है, 50 नंबर। हाँ, उसमें कई सारी वो टेक्निक लगाने बोलता है, एक नहीं चलता, क्वेश्चन एक दे देता है, एक टॉपिक के बारे में बात करेगा, फिर दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेगा, तो अपन ने वो लेवल रखा है,
लेकिन अपन उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उसका पहला पार्ट जो अपन वहां पे पढ़ लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट मुझे नहीं लगता पहला क्वेश्चन सीधा आपको कितने मार्क्स का ले जाएगा, 50 मार्क्स का मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। पुराने सिलेबस में आप देखेंगे तो 13 to 14 मार्क्स तक मैक्सिमम कैप आ चुका था, लेकिन न्यू सिलेबस में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा अगर उसको सिंथेसिस पार्ट में जाना है, वहां पे मार्क्स ज्यादा रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, तो 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन अपन ने उनके बिल्कुल इनकॉर्पोरेट किया, उसको तोड़ तोड़ के रखा है, एक साथ 50 नंबर का क्वेश्चन एक ही जगह नहीं रखा है, ठीक है। तो क्लास नोट्स के अलावा मुझे नहीं लगता अभी आपको कुछ भी पढ़ना है, पढ़ भी नहीं सकते, क्यों? मार्केट में कोई ऑथर की बुक भी नहीं है, और जो ऑथर की बुक पुराने सिलेबस में चलती थी वो पूरा मॉड्यूल को कट कॉपी करते थे, है ना। तो अभी तो बुक आना कोई सवाल ही नहीं उठता है। पीएम आ रहा है क्या? क्वेश्चन बैंक आने की पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन उसको अभी बहुत अच्छा खासा समय है, और मैं चैलेंज तो नहीं करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है क्वेश्चन बैंक जो बनाएंगे, अगेन दो इंस्टीट्यूट के जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है उसको मर्ज करके ही वो बनाना है। खासकर जो सीमा इंस्टीट्यूट है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये पिछले लगभग 2.5-3 सालों के पेपर कभी रिलीज करता ही नहीं है, वो बड़ा एक यूनिक पैटर्न है इनका। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको पेपर भी सबमिट करना है साथ में, आंसर शीट तो डेफिनेटली सबमिट करना ही करना है। तो जो इनके पास मैक्सिमम जो सिलेबस है जिसके आधार पर इंस्टीट्यूट बना सकता है, अभी मैक्स टू मैक्स 2014 तक के सिलेबस के पेपर इनके आउट है, जो रीसेंट सिलेबस है वो पूरा अननोन रहता है, वो अपना सिलेबस का क्वेश्चन डिफाइन करते ही नहीं, आउट करेंगे ही नहीं मार्केट में कि हमने इस अटेम्प्ट में क्या पूछा। तो अपना उसका यूनिट टेक्निक है, तो जितना हो सके अपन ने इनकॉर्पोरेट किया है उनके क्वेश्चन क्लास नोट्स में, तो अननेसरी आपको कोई मटेरियल दूसरे रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं हर बैच से बोलता हुआ आया हूं, लेकिन इस बैच में तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पैटर्न ऑफ टीचिंग। इसमें आपको बहुत ज्यादा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा अपनी इस बैच के लिए। से नो टू स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग सभी को पता ही है क्या होती है स्पून फीडिंग। सामने टीचर क्वेश्चन पढ़े, चलो बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन का पूरा बेसिक बता दिया जाए, जो अंदर क्रक्स पार्ट है, जो बच्चे को पहचानना है कि यार मैं इसके बारे में कैसा सोचूं, वो पूरा बता दिया जाए बच्चे को। एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर दे अपन उस क्वेश्चन का, चलो यार पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन टीचर पढ़े साथ में और बताए देखो अपन ने वो पढ़ा था, वो यहाँ पे लिंक हो रहा है, बच्चा भी बोले हाँ हाँ बिल्कुल लिंक हो रहा है, मजा आ गई, क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, 100% बन जाएगा क्वेश्चन क्लास में। मान के चलिए आप 200 आवर्स में बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा, किस टेक्निक में? स्पून फीडिंग। लेकिन वो सबसे बड़ा जड़ आएगा लेवल 3 में, आपने क्लास में क्या सीखा, जो हमने सोचा ना वो बस हमने अपनी चीजें आपके दिमाग में क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्या हमने आपको समय दिया कि आप अपने आइडिया अपने जजमेंट खुद सोच पाए? बेटा ये फालतू बात है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी हो, ये बहुत रेयरली फॉर्म में से एक आध बच्चा घर पे जाके एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता है, यार इस क्वेश्चन में और क्या सोचा जा सकता था, क्या लगता है आपको आपका इतिहास? नहीं सही बात है ना, नहीं पॉसिबल ही नहीं। सुबह बैच कितने बच्चों की पहले बताइए, तो इनके लिए तो बेटा और भी इम्पॉसिबल है, मतलब ये तो सोचने आप करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो जो होना है वो क्लास में होना है, लेवल 3 वाला पार्ट। तो ना मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा कि ये क्वेश्चन है, देखिए आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। पहले जब भी क्वेश्चन आएगा पहले आपको दिया जाएगा, मेरी शुरुआत पे टेक्निक रही है और अभी भी रहेगी, पहले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप फेस कीजिए, आप क्या जजमेंट लेंगे उसमें। मैं लेवल 3 में आ रहा हूं ना, लेवल 2 तक में कोई लेवल नहीं है मान के चलो, वो तो बहुत सिंपल जाना है, वो 50 नंबर तो अपन बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं, जो बचे हुए 50-55 नंबर है उसका लेवल है। तो पहले क्वेश्चन आपके पास आएगा, चाहे वो 4 लाइन का क्वेश्चन हो चाहे वो 8 पेज का क्वेश्चन हो, पहले आप उसको पढ़ेंगे, आप अपने लेवल पर पहले टेक्निक अप्लाई करना सीखेंगे, क्या कौन सी टेक्निक इसमें लग रही है, वो TQM बोल रहा है, लेकिन TQM बोल रहा है तो ये सही है या नहीं, मतलब अपन इवेल्यूएशन कर रहे हैं, और एकदम ब्लैंक छोड़ दिया क्वेश्चन ने, तो सिंथेसिस आप अप्लाई कीजिए, कौन सी टेक्निक लग रही है उसको कैसे आंसर देंगे, अनडाउटेडली इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ऐसा लगेगा यार अपने को तो सिलेबस आ ही नहीं रहा है, लेवल 3 अपन करेंगे कैसे। यहां की चोट लगना बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूं उन 3 घंटों से पहले आपको सच्चाई पता लग जाएगी, तो कम से कम आप उस डायरेक्शन में वर्क करोगे। नहीं तो बहुत भूल भुलैया है आज की टीचिंग में कि भैया बच्चों को संतुष्ट रखा जाए कहां पे, क्लास में उसको मेंटेलिटी दिया जाए कि भाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरी शुरुआत से टेक्निक रही भी नहीं और मैं इस टेक्निक में अभी भी नहीं जा रहा हूं, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा बी मेंटली प्रिपेयर, आपको क्लास में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यार जो बच्चा दोनों समय बैच लगा रहा है उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है घर पे जाके वो मेहनत करे, और इन 200 आवर्स में अगर सब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं आया तो फिर ये निकल जाएगा, फिर आप चाह के भी इसको बाद में रिविजन में पकड़ नहीं पाएंगे। रिविजन होगा पहले पार्ट का, लेवल 1 का, लेवल 2 का, थर्ड पार्ट का रिविजन पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट का माइंड आपको इसी ड्यूरेशन में, क्लास ड्यूरेशन में क्या करना है,
डेवलप करना है, तब जाके अपन वो आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत अच्छा कोटेशन है इनका, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स रादर द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। सिर्फ हम आपको बता दें ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, वो बताएंगे, सब बताया जाएगा, लेकिन पहले मेहनत। हाँ, स्पून फीडिंग का मतलब ये मत मान लेना मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं आके बस निकल लूंगा, ओके बच्चों बाय, चलो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। सब कराया जाएगा, सब कुछ लिखाया जाएगा, लेकिन पहले मेहनत किससे कराई जाएगी आपसे। और वापस बोल रहा हूं, उसमें कॉन्फिडेंस आपका गिरेगा, आपको लगेगा ही नहीं यार हम कैसे सोचे, शुरुआत में दिक्कत आएगी, आप देखना धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड ही जाएगा, हाँ यार चीजों को ऐसे सोचा जाता है। तो इट विल टेक टाइम, लेकिन मुझे भरोसा है वो अपन बिल्कुल मिलकर कर पाएंगे। बस आपका मेंटल एटीट्यूड चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना है लेवल वाले थर्ड पार्ट के लिए। तो मैं गारंटी दे सकता हूं बैच एंड तक आपका लेवल 3 अच्छा खासा आप परफॉर्म करने लग जाओगे, बट वो पेशेंस की बात है, उसमें बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ लेक्चर्स एस्टिमेटेड ही है 70 प्लस माइनस 2-3 लेक्चर आगे पीछे हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट लगभग आप मान के चलिए लास्ट वीक ऑफ फेब, इसके पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन इस बैच में बहुत ज्यादा रखे हैं जो इंटरनेशनल क्वेश्चन है, तो इतना समय अपने को लगेगा। लास्ट वीक ऑफ फेब में पॉजिटिवली बिल्कुल 100% आपकी बैच कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 200 आवर्स का ड्यूरेशन है रफली। चलिए वीडियो रिकवरी, ये बहुत बड़ा सवाल आज की तारीख में तो है ना, और गलत भी नहीं है, आर्टिकल चिप है कहीं फंस गए तो क्या, वीडियो रिकवरी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आपको फिर बैच टाइमिंग में कैसे मैनेज करेंगे वो आपके ऊपर है। यहाँ पर 2 लैपटॉप अवेलेबल रहते हैं, आप एक दिन पहले मुझे इंटीमेट कर देंगे सर ये वाले लेक्चर है, अगर बाय चांस उसमें ना हुए तो उसमें अपलोड कर दिया जाएगा, 99% लेक्चर में पहले ही प्रीलोड रहेंगे लेक्चर, तो आप आके अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले हमें कम्युनिकेट कर दें ताकि हम आपको टाइम अलॉट कर दें, नहीं तो उस टाइम पे अगर कोई दूसरा बच्चा आया होगा तो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि उसको होल्ड करके फिर हम आपको दें, है ना। कुछ लेक्चर ऐसे रहेंगे अगर मुझे लगता है हाँ यार ये लेक्चर हम आपको पेनड्राइव में दे सकते हैं, तो हाथ के हाथ वो लेक्चर आप पेनड्राइव में भी ले जा सकते हो, सभी लेक्चर नहीं है ना, कुछ लेक्चर आप पेनड्राइव में ले जा सकते हो जो हमें लगता है कि हाँ यार ये वाले लेक्चर हमें आपको देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको यहाँ पे रिकवरी ना बोल के आप अपने घर पे उसको रिकवरी कर लीजिएगा, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है वो लेक्चर हम, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट, रेड पेन आपको हमेशा मेरी क्लास में लाना ही लाना है, रीजन ब्लू तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप यूज करें, ब्लैक ही आदत डाले एग्जामिनेशन के पहले, वो आदत पड़ जानी चाहिए कि अपनी आंसर कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, अब उनके नियम है जो नियम है। रेड पेन क्यों लाना है आपको, हाईलाइट करने के लिए तो हाईलाइटर लाते ना रेड पेन क्यों, देखिए मैं अपने लेवल पे कोशिश करूंगा कि उस लास्ट वन डे बिफोर मैं आपको ये बेसिक मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे, वो जो न्यूमेरिकल वर्किंग नोट्स होंगे या लेवल 3 वाला पार्ट होगा, वी विल राइट डाउन एंड रेड पेन, ताकि वो मेरी तरफ से मैं आपको तैयारी दे दूं कि ये बेसिक चीजें आप बिना पढ़े एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होंगे। फिर तो आप अपने लेवल पे डेफिनेटली जब आप रिविजन 1 करेंगे तो उसमें सब सारी चीजें आएगी, आपको लगता है कि यार ये पार्ट अपने लिए अच्छा है, तो आप उसको और एडिशन अपने रिविजन में जोड़ सकते हो। तो जहां पे बच्चा जनरली गलती करेगा या जो एकदम कोर पार्ट है जिसको बिना पढ़े आप अपियर नहीं हो सकते एग्जामिनेशन में, लास्ट डे तक आपको उसको रिवाइज करना है, वो अपन नोट डाउन करेंगे किस पेन से, रेड पेन से, मैं लगातार कम्युनिकेट करते जाऊंगा आपको। अभी नंबर लिख लीजिए, इस पे आपको एक व्हाट्सअप करना है दिसंबर बैच करके, नाम वाम कुछ भी मेंशन नहीं करना है, दिसंबर बैच सिंपली बस आपको इतना करना है। बैच के जो भी कम्युनिकेशन होंगे वो ग्रुप नहीं बनाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग जनरली होती है, ग्रुप में फालतू हवाबाजी ज्यादा होती है ना, तो ग्रुप अवॉइड करेंगे अपन, मैं ब्रॉडकास्टिंग करूंगा अपनी तरफ से जो भी मुझे कम्युनिकेट करना है। टेस्ट पे यकीन रखते हैं, रखते तो है सर लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता ना, मेरी तरफ से कंपलसरी नहीं रहता टेस्ट, वो आपका है क्योंकि मुझे पता बच्चा बहुत बिजी है यार, अनडाउटली जो दो बैच वाले वापस हाथ उठाना है, मॉर्निंग बैच वाले भी, तो मेरी तरफ से मैं कंपलसरी नहीं रखूंगा, आप देना चाहे तो संडे को, बैच ऑफ कभी नहीं रहेगी टेस्ट के कारण, बैच ऑफ कभी भी नहीं रहेगी, तो संडे के जब बैच टाइमिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद आप चाहे तो टेस्ट रख सकते हैं। इच्छुक कितने लोग, मुझे चेहरे याद रहते हैं ना, ध्यान रखना, 1-2, या तो फिर दूसरा आप काम कर सकते हो, हम आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दे वो, लेकिन बस प्रोवाइड ही हो जाता है वो ना वो पढ़े ही रहते हैं, वो लाफ में याद आता है, अरे हाँ यार ये भी तो देने थे,
तो चलो मैं तो अपनी तरफ से आपको टेस्ट पेपर दूंगा ताकि जब भी आप अपनी तरफ से रिवाइज करें तो एक बार वो चेक करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे उस पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप नए क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो भी आपको अपने लेवल पर चेक करना पड़ेगा। तो कंपलसरी नहीं है, जो यहाँ पे देना चाहे बिल्कुल अनाउंस हो जाएगा, और जो नहीं दे पा रहे उनको मैं सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, फाइन तो लगेगा बॉस, है ना, डिसिप्लिन के लिए फाइन तो लगेगा। फाइन कौन कौन से? दो फाइन है अपनी बैच में, पहला तो अनडाउटेडली होमवर्क, कितना होमवर्क रखना है ये आप डिसाइड करो अपनी बैच में, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। 15 मिनट और बेटा लेवल वन ही हो पाएगा उसमें, ना टू को टू भी नहीं हो पाएगा 15 मिनट में। अपन एक वीक में मान लो वो ज्यादा अच्छा है, डेली का नहीं मान के, कोई डेली होमवर्क आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं जाएगा कि बिल्कुल 70 डेज लगातार आप बिल्कुल ऐसे लगे हुए रात को 11-11 बजे तक होमवर्क में। तो होमवर्क कितने आवर का आप एक्सपेक्ट करके और इजीली मैनेज कर लोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सर इजीली तो मैनेज नहीं हो पाएगा, फाइन रखना है ना होमवर्क का, तो वो डर है ना, वो 20-30 रुपए देख लेंगे कितना रखना है या और भी ज्यादा रखना है, तो वो डर आपको मोटिवेट करेगा इनडायरेक्टली, है ना, निगेटिव मोटिवेशन कि नहीं यार होमवर्क तो कर लो। कितने लोग होमवर्क रखना है ये पहले, ये मेरी तो फुल टू इच्छा है, क्योंकि ना ये आपको करेगा सपोर्ट, 100% सपोर्ट करेगा। जेनाइन रीजन पे कभी भी होमवर्क नहीं रखता, जेनाइन रीजन मैं डिसाइड कर लूंगा ना वो है आपका है या नहीं, बहुत जेनाइन रीजन है तो आपने होमवर्क नहीं किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कर लिया ठीक है चलता है कभी कभार। कितना रखे फाइन आप बताओ, और थोड़ा लेवल का रखना भैया ना, चोट लगना चाहिए इंसान को ना, वो अखरना चाहिए देते समय। और मेरा होमवर्क मैं ही चेक करता हूँ, मेरी आदत है, स्टाफ चेक नहीं करेगा वो बेहतरीन बेवकूफ बना देता है बच्चा उसको, क्वेश्चन नंबर 9 को 19 कर देता है, ले हो गया बहुत किया है आपने ना अवेलेबल। तो मेरा होमवर्क मैं ही चेक करूंगा, वो सरप्राइज चेक होता है, डेली बेस पर तो पॉसिबल ही नहीं चेक करना, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन भी चेक होता है अच्छा खासा कलेक्शन होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कितना रखे फाइन? मिनिमम 20 है, आगे जो आपकी इच्छा, बस कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो 20 को एक स्टैंडर्ड फाइन है, ये फाइन का अनडाउटेडली पार्टी में ही कलेक्शन में जाना है ये। और एक दूसरा फाइन बड़ा इंपॉर्टेंट, LMH, ये मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको कम्युनिकेट करूंगा, लिखना मना है। तो क्या फिर बैच में लिखना ही नहीं, कॉपी नहीं लाना है सब कुछ लिखना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे है जहां पे अगर आप, मैं समझा भी रहा हूं और आप उस समय नोट डाउन भी कर रहे हैं तो फिर आपके कॉपी में जा रहा है, वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आप ये देख नहीं पा रहे कि कैलकुलेशन जो मैं लिख रहा हूं ये आया कहां से। तो मैं क्लियर कट 2-3 बार अपनी तरफ से बोल देता हूं, फिर भी अब जो बच्चा लिखता है तो फिर लिखता है ना, तो मैं अपनी तरफ से क्लियर कट 2-3 बार बोल देता हूं, लिखना मना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको पूरा कैलकुलेशन में मेरे साथ साथ देना है, आपको देखना है अमाउंट कहां से आ रहा है। जब वो डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाए आपको इनफ टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर पाए। तो कब नहीं लिखना, ऐसा नहीं कि लिखना ही नहीं है, लिखना है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मान के लो अपन अगर 100 क्वेश्चन कर रहे तो हार्डली मुझे लगता है मैं 10 से 15 क्वेश्चन में आपको रोकूंगा, 85 क्वेश्चन में नहीं रुकूंगा, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे आंसर कहां से आ रहा है, क्वेश्चन कहां से आ रहा है। 10 से 15 क्वेश्चन में 100 में से मैं आपको रोकूंगा कि इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पहले मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, पार्टिसिपेट कर लेते हैं साथ में फिर लिखेंगे। इसका फाइन तो मैं ही डिसाइड करता हूं, नहीं नहीं ये जानबूझ के बड़ा फाइन, ताकि वो 15 क्वेश्चन आप पूरा अटेंशन यहां पे रख पाओ, है ना। और जनरली कम आता है, शुरुआत में मिल जाता है तो बच्चा समझ जाता है कि नहीं फाइन लग रहा है, तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है ना। और हाइट भी अच्छी बड़ी है तो पीछे वाले जो बच्चे बैठे हैं दिख जाता है कि वो लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, तो चालाकी इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मेरी तरफ से डिस्कशन था जनरल, आपके तरफ से कोई क्वेरी है तो आप पूछे, फिर सिलेबस आज से स्टार्ट करना है, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। संडे को, संडे को बैच है? नहीं नहीं है, है कि नहीं है? नहीं, संडे को बैच रखना पड़ेगा। टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली क्या रखेंगे? इवनिंग तो नहीं रखने वाला हूं मैं, मॉर्निंग में आपकी बैच क्लैश होगी, जितने बच्चे मॉर्निंग कर रहे हैं तो जनरली ये टाइम रहेगा 11 से 12 के बीच में स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग वही 3 आवर्स का, कंफर्टेबल है सभी। मॉर्निंग में नहीं रखूंगा, बैच क्लैश नहीं करना है, और ना इवनिंग में रहेगी, तो जनरली अपना टाइम स्टार्ट होगा 11-11:30 के आसपास, म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे। बहुत जेन्युइन रीजन है आपकी बैच अटक गई, वी आर रेडी टू प्रोवाइड द वीडियो रिकवरी, इसमें कोई मनाई नहीं है, क्योंकि हम आपको पढ़ाना है, कोई डिक्टेट थोड़ी करना है हमें चीजों को। तो ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए, संडे को बैच रख रहे हैं अपन, मन से रख रहे। कम टाइम में जितना जल्दी आपका सिलेबस आपके हाथ में आएगा ना उतना इंटरेस्ट आएगा, जहां बैच लेंथ में जाए ना तो बोरिंग क्रिएट होती है, आपने देखा है ये चीजें, तो लेंथ कभी नहीं बढ़ना चाहिए बैच की, उसको बहुत बोरिंग, जो पढ़ना है बेसिक मिनिमम वो तो पढ़ना ही आपको विद इन ड्यूरेशन, उसको अननेसेसरी एक्सटेंड करके कोई मतलब नहीं। तो संडे को तो बैच है, आगे और कोई क्वेरी?
होमवर्क आवर मैक्स टू मैक्स एक वीक में 2 से 3 आवर्स वीक में, मैक्स टू मैक्स मिनट, बिल्कुल 3 घंटे से एक एवरेज बच्चे के लिए, थोड़ा भी अपने को कॉस्टिंग में अच्छा दिमाग चलता है अपना तो वही ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स हो जाएगा मैक्स टू मैक्स वीक वाइज। उससे अलावा होमवर्क नहीं दूंगा, मुझे भी पता है वो कॉपी होगा फिर, सीधी बात है, वो मैं चाहता भी नहीं। तो एकदम लिमिटेड होमवर्क दिया जाएगा ताकि आप उसको परफॉर्म कर पाओ, और मेजोरिटी पोर्शन तो अपन चाहेंगे क्लास में ही हो जाए ताकि वो लेवल थर्ड क्लास में ही तैयार कराना। और कुछ टेस्ट का हो ही गया, बहुत कम बच्चे हैं, मैं लेकिन अपनी तरफ से आपको दूंगा और आप पेपर अटेंड कीजिएगा उसको। और कोई क्वेरी? अरे पूछो ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्वेरी कैन बी एनीथिंग, कुछ भी नहीं, चालू करें, चलो हेडिंग डाल दीजिए, चैप्टर 1 एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। अरे वाह, बहुत अच्छी अच्छी क्वेरी ला रहे हो, ब्रेक होगा ना? बिल्कुल होगा, जो 3.25 घंटे की बैच रखी गई है जनरली अपन ब्रेक 2 आवर्स के बाद देते हैं ना, तो लगभग 7:45 के आसपास आपको 15 मिनट्स का ब्रेक मेरे ख्याल से इनफ है, नहीं है तो भी मान लेना भाई 15 मिनट्स का ब्रेक इनफ है, और लास्ट में फिर अपन 1 आवर रखते हैं ताकि वो लास्ट का ड्यूरेशन कम रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैचिंग पावर आपका जनरली कम होता है शुरुआत के मुकाबले, तो 2 आवर्स बाद 15 मिनट्स का ब्रेक है। और अच्छी अच्छी क्वेरी पूछते जाना ऐसे, है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेडिंग डाल दो भाई। जो अपन शुरुआत में पढ़ेंगे इसको एक्चुअली आपको 3 पार्ट में पढ़ना है, लिखना नहीं है आपको, ये 3 पार्ट में आपको इसको पढ़ना है। सीए इंटर में अब ये टॉपिक ऑलरेडी उन्होंने इंसर्ट कर दिया है, कौन सा? एबीसी। कहां पे? सीए इंटर आईपीसी में ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है, लेकिन आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है इसलिए इसकी जो शुरुआत है, जो पहली स्टेज है, ये अपने को यहां पे कवर करना है पार्ट 1। बहुत कम चांस है कि जो अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे इससे आपके पेपर में बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो पाए, लेकिन अगर ये पार्ट जो वो अब क्या मान के चल रहा है इंस्टीट्यूट, जो बच्चा न्यू सिलेबस देगा उसने इंटर पे क्या पढ़ चुका है, एबीसी पढ़ चुका है वहां पे, लेकिन अपना नहीं हुआ है तो अपने को पार्ट 1 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 में जाएंगे लेवल में तो जब तक अपने को बेसिक ही नहीं पता होगा एबीसी का, जो उन्होंने कहां पे रखा है इंटर में, अपन नहीं कर पाएंगे इसको। तो लगभग अपन ने इसको 4 दिन दिया है अपने बैच में ताकि ये एबीसी क्या होता है अपन समझ ले, और फिर पार्ट 2 चालू हो जाता है आपका डिसीजन मेकिंग। पार्ट 1 पूरा क्या रहने वाला है, क्लेरिकल। क्लेरिकल मतलब फुल टू कैलकुलेशन, अप्लीकेशन ही करना है मान के चलना, लगभग वहां पे एनालिसिस के नाम का कुछ भी नहीं, और लेवल 3 तो बहुत दूर की बात है, तो नॉलेज देखना है अपने को यहां पे और अप्लीकेशन देखना है, ताकि ये जब आ जाए तो इसका पार्ट नंबर 2 ओरिएंटेड टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग, मतलब एबीसी के द्वारा हम कैसे डिसाइड करें। यहां पे एनालिसिस पार्ट भी आएगा और यहां पे इवेल्युएशन पार्ट भी आएगा, 2 टॉपिक यहां पे कवर्ड होंगे पार्ट 2 में, एनालिसिस और इवेल्युएशन, ये अपने सिलेबस में रखा है आईसीआई ने फाइनल लेवल पर। और पार्ट 3 अलोंग विद बजटिंग, बजट के साथ इसको हमें कैसे करना है, क्योंकि जनरली आज की तारीख में जो भी बजट बन रहे हैं ना वो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से बन रहे हैं। अब अगर एक सिस्टम आप चेंज करते हो कॉस्टिंग में तो उसका इंपैक्ट सिर्फ वही नहीं पड़ता, आपके दूसरे में भी पड़ता है। जीआईटी अगर आप लगा रहे हो जस्ट इन टाइम, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा, छोटा मोटा चेंज भी नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ड्रास्टिक चेंज होता है। इसी प्रकार से अगर आप यहां पे एबीसी लगा रहे हो तो आपकी बजट बनाने की जो टोटल प्रोसेस है ना वो ऑल टुगेदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने वो वाला पार्ट भी अपने को फाइनल में रखा हुआ। तो कितने पार्ट में पढ़ना है अपने को उसको? 3 पार्ट में। अभी एकदम से अपन बैच में डिसीजन मेकिंग पार्ट चालू नहीं करेंगे, अपन अभी पार्ट 1 चालू करेंगे जो आपको बताएगा सिर्फ 2 चीजें, क्या क्या अपन हमेशा उन भाषा में बात करेंगे, क्या 5 वर्ड बोलना, नॉलेज, अप्लीकेशन, इवेल्युएशन, एनालिसिस और सिंथेसिस, ताकि आप अपना माइंड डेवलप कर पाओ यार इस पार्ट में हमें ये करना है, जजमेंट करना है, कैसे पहचाने हमारा ये क्या है। तो अपने शुरुआत के 4 दिन जाएंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में और एबीसी का बेसिक में, जो आपको डायरेक्टली काम नहीं आएगा, लेकिन पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो सिलेबस में है उसके वो ये दोनों कंटेंट के अलावा हो ही नहीं सकते, ठीक है। हेडिंग डालो भाई अब इसमें, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेडिंग डाल दिया, एक हेडिंग अब इसमें मॉडर्न अप्रोच, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा और रेड पेन से लिखिए इसको आप, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड।
और उसको बॉक्स में भी डाल दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है इसका, मतलब जब भी कोई ऐसी चीज जो आपने कभी सुना नहीं है इस चैप्टर में और कभी भी आपको डाउट आता है, तो बस आप ये दो लाइन को रिकॉल कर लेंगे तो 99% वो डाउट आपका ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाना है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी उतना नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं बार बार लिंक करूंगा आपको इन दो लाइनों के द्वारा कि देखिए ये है इसकी थीम। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की थीम है, इट्स अ मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या क्या पता लगा सकते हैं इन दो लाइनों से, जस्ट गेस करो। मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, क्या क्या पता लगा सकते हैं इन दो लाइनों से, क्योंकि पार्ट वन में भी ये काम आएगा, पार्ट टू में भी, पार्ट थ्री में भी। सबसे पहली बात तो हम कौन से कॉस्ट की बात नहीं करेंगे जब हम एबीसी की बात कर रहे हैं, तो इन दो लाइनों से पता लगता है हम कौन से बात की बात कौन से कॉस्ट के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करना है, कोई मतलब ही नहीं उसको, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि आगे वर्ड क्या है, मॉडर्न अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो वी हैव नथिंग टू डू विद द डायरेक्ट एलिमेंट कॉस्ट पोर्शन, देखते क्या होगा डायरेक्ट एलिमेंट कॉस्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है जब हम इस चैप्टर को पढ़े, ठीक है। और क्या लगता है आपको इससे, और क्या निकाल सकते हैं आप इससे, जनरल मीनिंग, अभी फिर वो टेक्निकल मीनिंग तो बाद में देखेंगे। एक तो ओवरहेड वर्ड है, मतलब हमें डायरेक्ट कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। दूसरा अप्रोच नहीं है, वर्ड क्या है उसके पहले, मॉडर्न, इसका मतलब एबीसी के पहले ऑलरेडी कोई अप्रोच हुई होगी या नहीं हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, अपन उसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोल देंगे, वो पूरा वर्ड बोलना उसको कंप्लीट, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड ऑलरेडी थी, डेफिनेटली उसमें अच्छे खासे ड्रॉबैक रहे होंगे जिसके कारण एक नई मेथड इवॉल्व हुई जिसका नाम है मॉडर्न मेथड, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर किसी का आईपीसी थोड़ा भी अच्छा हो तो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर दिया है, एब्जॉर्प्शन। तीन चार टर्मोलॉजी होती थी, थोड़ा रिकॉल करें अपन, अलोकेशन अभी पढ़ेंगे सब ना, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना मैं मान के चलता हूं कि आपको आईपीसी का कुछ भी नहीं आता, लेकिन जस्ट एक डिस्कशन करते समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि ऐसे कोई टॉपिक थे, जिस जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी वो अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे, अपने मान के नहीं चलेंगे कि आपने पढ़ा, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी जो आपके सिलेबस में, अपन नहीं मान के चलेंगे आपको कभी आपने जीवन में पढ़ा था, वो जीरो से चालू करना ऑलवेज बेटर है, ऑलवेज, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा भी है तो आप मान के चलिएगा आपको कुछ भी नहीं आता। रीजन क्या है, हर टीचर की टेक्निक अलग अलग होती है पढ़ाने की, है ना, तो अगर मैं अपनी टेक्निक से पढ़ा रहा हूं तो आपको लगता है मेरे को आता है, और जब तक आपको पता लगता है नहीं यार ये वाली टेक्निक तो अब यहाँ पे काम नहीं कर रही है, अपने को इस टेक्निक में आना, जब तक वो चैप्टर खत्म हो जाता, तो नहीं आता तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, आता है तो भी आपको भूलना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए तरीके से फिर उन चीजों को अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो एब्जॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीन ए से चालू होता था, अलोकेशन कुछ याद आ रहा है, लाइट पॉइंट वगैरह, रेंट एरिया, ऐसा कुछ याद आ जाएगा इससे कुछ ना कुछ, तो अलोकेशन होता था, अपॉर्शनमेंट होता था, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट के आधार पर बांटते थे, है ना, और एक तीसरा वर्ड होता था क्या, एब्जॉर्प्शन। तो अपने को यहां पे तीन चीजें अभी फिलहाल एकदम जनरल मीनिंग, अभी कोई टेक्निकल मीनिंग अपन ने नहीं पढ़ा, ये तीन वर्ड पर अपन इस पूरे चैप्टर पे फोकस करेंगे। पहला ओवरहेड, मतलब कॉस्ट का कौन सा पोर्शन, इनडायरेक्ट पोर्शन, डायरेक्ट पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर ये मॉडर्न अप्रोच है तो डेफिनेटली इसके पहले कौन सी अप्रोच रही होगी, ट्रेडिशनल, तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था वो देखेंगे अपन, और फिर जब इसमें आएंगे तो ओवरहेड में भी अपने को कौन सी टेक्निक यहां पे करना है, एब्जॉर्प्शन वाली, हमें अलोकेशन से मतलब नहीं है, हमें अपॉर्शनमेंट से मतलब नहीं है, हमारा मेन टारगेट है यहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। तो अपन इसको तीन पार्ट में पढ़ रहे हैं, लिखो भाई, वी विल स्टडी दिस चैप्टर, लिखना बिल्कुल ऐसा, वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन थ्री पार्ट्स, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, सेकेंड पार्ट ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, लास्ट पार्ट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप, बेसिक ऑफ आईपीसीसी लेवल। वो जब तक क्लियर नहीं होगा ये चैप्टर क्यों आया, ट्रेडिशनल मेथड वहां पे थी आईपीसी लेवल पे, उसको एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे तब जाके अपन इसमें चालू करेंगे। सबसे पहला लिखना एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सबसे पहला टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ना वो बिल्कुल बेसिक मिनिमम, मतलब आईपीसीसी का वो पार्ट जो आपके फाइनल में 100% काम का है। अपन कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं लेंगे जो आईपीसी में था लेकिन फाइनल में काम का नहीं है, फालतू चीजें नहीं लेना है। तो एकदम बेसिक मिनिमम आईपीसी चीजें आपको यहां पे कैरी करना ही पड़ेगा, उनमें से सबसे पहली चीज क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल बेसिक मिनिमम है ये, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना ही करना है। कितने एलिमेंट होते थे कॉस्ट के, तीन, क्या क्या? पहला मटेरियल, रुकना रुकना दूसरे में, दूसरे के बाद रुकना, वहां पे 100% स्टूडेंट गलती करता है। मटेरियल, लेबर, फिर यहां पे जरूर गलती होती है ओवरहेड, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ओवरहेड नहीं आता यहां पे। देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, द फर्स्ट वन इज मटेरियल, द सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज एक्सपेंस। हर एलिमेंट दो पार्ट में बाइफर्केटेड होता है, क्या क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हर एलिमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। विदर इट इज मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, एवरी पार्ट इज बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब दो चार मिनट तक आप मुझे गाइड करेंगे कैसे बायफर्केट किया जाता है कोई भी कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, और इंपॉर्टेंस क्यों है बायफर्केट करने का, पहले ये बताइए। हमें इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें कौन से पोर्शन से मतलब है? इनडायरेक्ट। तो पहले हमें बांटना आना चाहिए कि यार कोई खर्चा हमें दिया है तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर वो इनडायरेक्ट होगा तो हमारे एबीसी वाले चैप्टर में काम आएगा, डायरेक्ट होगा तो हमारे लिए कोई मतलब है ही नहीं, हम उसके लिए पढ़ ही नहीं रहे, चैप्टर ओवर इट के लिए चैप्टर है। तो कैसे बायफर्केट करें दोनों को, कोई एक जन और बोलना गलत हुआ कोई टेंशन नहीं, बोलते चलो बस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कोई भी मटेरियल को बता दो, लेबर को बता दो, एक्सपेंस को, सर ये डायरेक्ट ऐसे पहचानते हैं, ये इनडायरेक्ट ऐसे करते हैं, मुझे पूछना पड़ेगा। बोलो बेटा, द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज डायरेक्ट, और बाकी इनडायरेक्ट। इफ डेफिनेशन में गलती क्या है, ये बहुत कॉमन डेफिनेशन है बच्चों के माइंड में, इफ डेफिनेशन में गलती क्या है, ये मान के चलना लगभग आप में से जितने बैठे मोर देन 50% इफी डेफिनेशन को लेके चल रहे होंगे डायरेक्ट की दो कॉस्ट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज डायरेक्ट, नहीं है। क्या गलती इसमें है, इसमें गलती है कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की फिर सभी चीजों को आप क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट, और पीएनएल अकाउंट के एडमिन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपन क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट, जबकि ऐसा नहीं है। कॉस्ट शीट अगर मैं याद दिलाऊं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल, बोलते चलना भाई, नहीं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आप क्या जोड़ते थे, फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का कुछ पोर्शन तो ओवरहेड है, ओवरहेड का दूसरा नाम इनडायरेक्ट। तो उसमें बेटा ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ट्रेडिंग वाले सभी खर्चे हमारे डायरेक्ट हो जाएंगे जबकि वो नहीं है। जो फैक्ट्री के आगे आप क्या वर्ड लगाते हैं, ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट का कलेक्शन, तो डेफिनेटली फैक्ट्री में भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और कोई जो बता दो आप नहीं एग्जांपल ना होता है लैंग्वेज बताने तो आप तो आधी घंटा बोल लूंगा, एग्जांपल इतने हैं। कैसे बायफर्केट करें अपन, कोई खर्चा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बता रहा हूं भाई एक मिनट। इजीली नहीं बोल पाएंगे बेटा, किसके साथ आइडेंटिफाई कर पाए, नंबर ऑफ आउटपुट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
रिफिल ले लो आप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। तो ये दो मिलके और उधर से जवाब आ गया मुझे। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है जो कॉस्ट, मैं लिखाऊंगा लिखना मत, जो कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। गलत है डेफिनेशन। क्या गलत है इसमें बताओ? जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला था, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि 20-30% बच्चों के माइंड में ये भी डेफिनेशन है जो प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता है। अभी वर्ड क्या आता है? जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट आ गया, जो प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ये भी गलत डेफिनेशन है। प्रोडक्ट कॉस्ट में डिजाइनिंग कॉस्ट भी आती है। जब भी मारुति या हुंडई कोई नई कार लॉन्च करेगा तो उसका डिजाइनिंग पे भी खर्चा होता है। डिजाइनिंग का बेनिफिट एक प्रोडक्ट को मिलेगा या सभी प्रोडक्ट को मिलेगा? डिजाइनिंग ऑफ कार डेफिनेटली उसी प्रोडक्ट को मिलेगा जो मॉडल है, तो भाई उसके लिए तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रही है ना। लेकिन प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा खर्चा जो मेरे वॉल्यूम के चेंज होने पर चेंज हो जाए, पहली कंडीशन में लिखाऊंगा। पहला खर्चा बोलूं, पहला इंडिकेशन क्या? जो मेरे वॉल्यूम के चेंज होने पर चेंज हो जाए, और ये चेंज अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ है तो मैं इसको कौन सी कॉस्ट बोलूंगा? डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा जो भी कॉस्ट है वो सभी क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहली कंडीशन बोलना, द कॉस्ट विद चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन आउटपुट वॉल्यूम, कुछ भी बोल दो फिर दे आर फिर। और दूसरा दूसरा वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन? यहां पे प्रोडक्शन 20% से बड़ा, आगे बोलना, खर्चा 20% तक बढ़ना चाहिए। तक अगर बढ़ा ना तो वो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी होता है। तक नहीं चाहिए हमें, वो 20% से ही बढ़ना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। एक तीसरा कंडीशन भी है, वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या? चेंज होना चाहिए। किसके चेंज होने पर? वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम चेंज होगा, पहले खर्चा चेंज होगा? पहले वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, मेरे से कोई मतलब नहीं। वो चेंज हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली कौन चेंज हो रहा है? हमारी कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो या तो चेंज ही नहीं होंगे, किसके चेंज होने पर? वॉल्यूम के, तो वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे ही। आगे कोई और बोल सकता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक ऐसा खर्चा जो चेंज होगा ही नहीं मेरे वॉल्यूम के चेंज होने पर, वो तो इनडायरेक्ट कहलाएगा ही, और डेफिनेशन से निकाल सकते हो। और जो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज होगा, चेंज हो रहा है लेकिन किस प्रपोर्शन में? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में, वो भी मेरे लिए क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। तो लिखो भाई, पहले हेडिंग डालना, हाउ अ कॉस्ट विल बी बायफर्केटेड, हाउ अ कॉस्ट विल बी बायफर्केटेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हाउ अ कॉस्ट विल बी बायफर्केटेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ अ कॉस्ट फुलफिल्स द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, इफ द कॉस्ट फुलफिल्स द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस एट द सेम टाइम, कॉमा द कॉस्ट विल बी डायरेक्ट वन, फुलफिल्स ऑल द कंडीशन, थ्री कंडीशन एट द सेम टाइम, द कॉस्ट विल बी डायरेक्ट वन। नेक्स्ट लाइन में पहला पॉइंट, कंडीशन नंबर वन, इसमें लिखिए कॉस्ट मस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन। सेकेंड कंडीशन बोलिए साथ में, सच चेंज मस्ट बी इन
सो चेंज इन कॉस्ट मस्ट बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. C3 भी है लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको. अभी आप 3 लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा C3 के लिए. कॉस्ट मस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, सच चेंज इन कॉस्ट मस्ट बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसका मतलब इनडायरेक्ट की डेफिनेशन यहीं से निकल जाती है, ऐसा खर्चा जो मेरे प्रोडक्शन के कारण, आगे बोलना, चेंज होगा ही नहीं. तो दूसरी कंडीशन की तो बात ही अलग है, चेंज होगा ही नहीं वो तो इनडायरेक्ट कहलाएगा ही. और साथ में ऐसा खर्चा जो चेंज तो होगा लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. प्रोडक्शन 20% बढ़ा, खर्चा 5% बढ़ा. प्रोडक्शन 20% कम हुआ, खर्चा फिर 5% कम हुआ. इसको हम कौन सा प्रोपोर्शन बोलेंगे? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. वो भी कहां पे जाएगा? वो भी कहां पे जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में. नेक्स्ट लाइन में लिखना, 3 लाइन ड्रॉप कर दिया ना, C3 बाद में लिखें. इट मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट विल हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट विल हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. आप ही लिख सकते हो, बोलो. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई भी एक होगी तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगी. पहला बोलते हैं ना बेटा, बहुत जरूरी आपके द्वारा सोचना और बोलना. कॉस्ट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन. लिख दो पहला ही. कॉस्ट रिमेन्स सेम इवन इफ प्रोडक्शन चेंजेस. उसका भी सबका नाम होता है, क्या बोलते हैं देखना है. सेकंड कंडीशन है या कुछ भी हो सकता है दोनों में से? दोनों में से कुछ भी. क्या हो सकता है सेकंड? चेंज तो हो रही है भाई, प्रोडक्शन चेंज हुआ तो खर्चा तो मेरा चेंज हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो रहा है. तो लिखना सेकंड. और कॉस्ट चेंजेस, ऑल्दो कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन, ऑल्दो कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन, बट सच चेंज इज इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ऑल्दो कॉस्ट चेंजेस विथ चेंज इन प्रोडक्शन बट सच चेंज इज इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को अंडरलाइन कर दीजिएगा. और जो आपने ऊपर लिखा है वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी आपको, या तो चेंज ही नहीं हो रहा है या चेंज हो रहा है तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है. अब थोड़ा सा आपको उसको प्रैक्टिकल टच स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि वो इमेजिनेशन पावर आ पाए Level 3 के लिए. अभी मैंने बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया है ना. आपको सिर्फ ये बताना है एक शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या, उसके नाम लिखना है. नोट डाउन इन योर कॉपी, है ना, और बिल्कुल फेयर कॉपी में ही लिखना, इसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप चाहो तो एक रफ कॉपी मेंटेन कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है वो लिख के करना है ना. ओरली कॉस्टिंग में कुछ भी होने वाला नहीं है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट. तो आपको लिख के करना है, आप गलत सही की चिंता बिल्कुल छोड़ दो. क्या लिखना है आपको? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ शर्ट मैन्युफैक्चरर. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ शर्ट मैन्युफैक्चरर. अपन इसमें और भी बाइफरकेट कर सकते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में आप डायरेक्ट मटेरियल के कम से कम दो कंपोनेंट्स, दो नाम जो आपको लगता है यार एक शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए ये चीज डायरेक्ट होगी, है ना, और सेकंड डायरेक्ट लेबर. और इनडायरेक्ट में तो आप लिखते जाइए आपको जो जो याद आता है कि यार ये एक शर्ट मैन्युफैक्चरर के यहाँ ये वाला खर्चा हो रहा है, लेकिन ये खर्चा या तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट भी है तो किस प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है.
मैंने बोला ना अपन बैच को कभी सिंपल नहीं बनाएंगे। अब आपके सामने मैं बहुत सिंपल कर सकता था अभी इसको बता के कि देखो जो अपन ने पढ़ा उसको ऐसे लिंक करना है, मतलब नहीं है। लेकिन उसका लेवल 3 में नहीं पहुंच पाएंगे, आपको अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा के फिर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ट्राई कीजिए। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में कम से कम दो दो एग्जाम्पल एक शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए। कैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा डायरेक्ट मटेरियल लिखते समय ना, फिर कलम रुकते चली होगी है ना। डायरेक्ट मटेरियल तो सभी ने बिल्कुल सही, इसमें क्या बताना, फिर भी बस बोल ही देते। क्या फैब्रिक, दूसरा बटन्स, तीसरा थ्रेड, ये तो सभी ने लगभग पहले शॉट में है ना मैंने बोला और अपने सोच लिया। डायरेक्ट लेबर में क्या, अब बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां पे अटके हैं और यहां पे अटकना भी चाहिए। स्टिचिंग, कटिंग, पैकिंग, कितने बच्चों ने लिखा है? स्टिचिंग वाले मतलब टेलर को जो पेमेंट कर रहे हो या कटिंग वाले को जो पेमेंट कर रहे हो? अगर मैं पर आवर पेमेंट कर रहा हूं तो बेटा, और मैं बोल रहा हूँ एक शर्ट बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, डायरेक्ट आएगा वो। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। कॉन्फिडेंस तो गिरेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, जो आपने लिखा है मान के चलना वो इसका आंसर नहीं है। आपको यहाँ पे आप वर्कर के नाम से नहीं बोल सकते कि इस वर्कर को पेमेंट जा रहा है तो डायरेक्ट है। जो इन्होंने बोला ना बहुत पॉइंट वाली बात बोला है, टू द पॉइंट है, मैं किस बंदे को पेमेंट दे रहा हूं मैं उससे डिसाइड नहीं करूंगा वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। जैसे जो बंदा स्टिच कर रहा है, टेलर उसको जनरली अपन बोलते हैं ना, स्टिचिंग का जिसका काम है, अपन ने लिख दिया यार स्टिचिंग लेबर। यार स्टिचिंग लेबर अगर मेरी पर मंथ अपॉइंटेड है मेरे क्लाइंट की, मेरा क्लाइंट 30,000 रुपी पर मंथ उसको दे रहा है, तो पर मंथ दे रहा है ना, पर मंथ मतलब उस मंथ में अगर शर्ट
कम भी बनी तो भी पेमेंट कितना जाएगा वो स्टिचिंग लेबर को? 30,000 जाएगा पेमेंट। ज्यादा उसने ज्यादा भी वर्क कर लिया तो भी 30,000 जा रहा है, पेमेंट चेंज नहीं हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखा रहा हूं उसमें, किस बंदे को पेमेंट दे रहे हो इससे कभी हम डिसाइड नहीं करेंगे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं लेबर को आवर वाइज पेमेंट दे रहा हूं, वन शर्ट विल रिक्वायर 3 आवर्स और पर आवर के मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं मान के लो 20 रुपी। सुबह वर्कर आता है 8 बजे, शाम को वर्कर जाता है 4 बजे, पर मंथ ना देकर मैं उसको पर आवर पेमेंट कर रहा हूं। क्या लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ध्यान देना, मंथ टाइम पीरियड डिनोट करता है, आवर भी टाइम पीरियड ही तो डिनोट कर रहा है, वो छोटा टाइम पीरियड हो गया। अगर वर्कर आइडल है, आइडल का पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा? क्या लगता है आपको, जाएगा ना भाई। आइडल का मतलब ही क्या होता है, जिस समय वर्कर फैक्ट्री में है और जिस समय का पेमेंट जा रहा है वर्कर को, वर्क नहीं हो रहा तो भी हम उसको कौन सा टाइम बोलते, आइडल टाइम। आप पर आवर पेमेंट दे रहे हो ना, पर आवर का पेमेंट ऐसे जाता है कि वर्कर ने 8 बजे फैक्ट्री पे एंटर किया और वो कितने बजे जा रहा है घर, 4 बजे। कितने आवर वो फैक्ट्री में रहा, 8 आवर्स। उसको 8 आवर्स का पेमेंट चला जाएगा चाहे उसकी एफिशिएंसी कम रही या ज्यादा रही। कोई दिन वो हाफ डे ले लिया तो बताओ पेमेंट कितना जाएगा, हाफ डे का जाएगा। लेकिन क्या वो पेमेंट रिलेट कर रहा है आपके वॉल्यूम को? नहीं। बस मैंने पर मंथ ना बोल के क्या बोल दिया, पर आवर बोल दिया। तो यही चीज सीखना है बेटा अपने को ना, जो आपके आईपीसीसी की जो आपकी पूरी कॉस्टिंग थी ना वो आपको रटा दी गई है। और बिल्कुल इंस्टीट्यूट, कितने ही क्वेश्चन आप इंस्टीट्यूट के देखना आईपीसी लेवल पे, आईसीआई ने बिल्कुल रटा दिया कि जहां पेमेंट आया पर आवर, वन शर्ट रिक्वायर 3 आवर, 1 आवर का इतना रेट अपन ने रट लिया आईसीआई के मॉडल के हिसाब से, यार वो पेमेंट क्या होता है डायरेक्ट। वो बिल्कुल सही है, कहां तक के लिए, क्लेरिकल कॉस्टिंग के लिए। आईपीसी का मॉडल जो अभी नया आया उसमें भी वही चीज है, गलत नहीं है वो, लेकिन वो कौन सी कॉस्टिंग है, क्लेरिकल कॉस्टिंग। क्लेरिकल कॉस्टिंग ये बोलती है, वो मान के चलती है कि एक शर्ट बनाने में 3 घंटे लगने चाहिए, तो 3 ही लगे होंगे, कम ज्यादा नहीं लगे होंगे, तो अपन आईपीसीसी में उसको क्या मान लेते थे, डायरेक्ट लेबर। जबकि अब बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। दो चीजें अभी तक अपन ने सीखा, क्या किसको पेमेंट दे रहे हो इससे डिसाइड नहीं होगा कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बस आप क्या जजमेंट लगाओ यहां पे, टाइम इन्वॉल्व है क्या? अगर टाइम इन्वॉल्व है, आंख बंद करके आप उसको कहां पे लिख देना, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। क्योंकि जहां टाइम इन्वॉल्व है वहां पे वॉल्यूम के हिसाब से खर्चा चेंज नहीं होगा। तो फिर यहां पे बताओ कैसे आएगा डायरेक्ट लेबर, फिर कौन सी डायरेक्ट लेबर है भाई, बची कौन सी फिर? पर शर्ट अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर, वो बंदा कितने भी आवर लेता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बोलूंगा तूने मेरे हाथ में कितनी शर्ट दिया, 10। एक शर्ट का अपना प्री डिसाइडेड था, मैं तुझे इतना पेमेंट करना है, ले 10 शर्ट का मल्टीप्लाई बाय इतना पेमेंट तू ले जा, तो हम उसको बोलेंगे कौन सी लेबर, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो जो डिपेंडेंट है पेमेंट किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, वो पेमेंट कहलाएगा मेरे लिए क्या, डायरेक्ट लेबर। बाकी सभी लेबर को दिए गए पेमेंट जहां पे टाइम इन्वॉल्व हो, चाहे वो टाइम पर आवर हो, पर डे हो, पर मंथ हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जहां टाइम आया मतलब वो पेमेंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट पेमेंट कहलाएगा। बढ़ू आगे, अब एक और बारीक चीज इसमें ध्यान रखना ना, थोड़ा सा मन लेवल यहां पर बढ़ा रहे आज से। ये जो मैंने अभी भी बोला पीस बेसिस, ये आप आंख बंद करके भी इसको डायरेक्ट नहीं मान सकते, थोड़ा इसमें भी सोचना पड़ेगा पीस बेसिस में भी। क्या चीज बेटा? नहीं, वो तो अपना प्रोडक्ट ही चेंज हो गया ना, तो डेफिनेटली वो तो अलग अलग ही रहेगा। अपन उसकी बात नहीं कर रहे कि एक प्रोडक्ट में 25 रुपए दे रहे हैं, दूसरे में 30 रुपए दे रहे हैं, तो ये चेंज, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। बोल रहा हूं वो जो पीस पेमेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, मतलब पीस पेमेंट। पीस पेमेंट भी दे रहे हो तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि भैया क्या सही में डायरेक्ट है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आपने वर्कर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दिया, पीस बेसिस में प्रॉब्लम क्या है वर्कर को, और आवर बेसिस में वो निश्चिंत है। ध्यान देना, आपके पास काम हो या ना हो वो टेंशन नहीं लेगा, कौन, वर्कर। अगर पेमेंट कैसा जा रहा है आपका, आवर बेसिस, वो बोलेगा मैं तो 8 बजे आ गया ना भाई, अब तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे किस बात का पेमेंट दो, आइडल टाइम का, मैं तो आया हूं। पीस बेसिस में हमेशा उसके माइंड में टेंशन रहेगी वर्कर के पास, क्या यार इनके पास वर्क नहीं हुआ तो सफर मैं कर रहा हूं, मेरे पास तो कैपेसिटी थी, तुमने अगर मुझे प्रोडक्शन के लिए दिया ही नहीं सो आई शुड हैव सफर। तो इस केस में अगर मिनिमम गारंटीड वेजेस वाला कंसेप्ट है, कौन सा, मिनिमम गारंटीड वेजेस, कौन से सिस्टम में,
पर शर्ट में, पर आवर में जरूरत नहीं है मिनिमम गारंटीड की, क्यों? मिनिमम गारंटीड वेजेस की पर आवर पेमेंट में कोई जरूरत नहीं है। वहां पे मिनिमम क्या भाई, हम आपको दे ही रहे, आप 8 आवर आ रहे हो ना, आपको पेमेंट मिल रहा है, हमारी गलती है हम आपको वर्क नहीं दे पा रहे, आपको आइडल टाइम का पेमेंट मिल रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीस बेसिस में वर्कर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए हमने जरूर इंट्रोड्यूस कर रखा होगा क्या, मिनिमम गारंटीड पेमेंट। ये डिपेंडेंट होता है कि भैया तू टेंशन मत ले, अगर हमने तुझे वर्क नहीं दिया ना तो हम तुझे मिनिमम इतने शर्ट का पेमेंट तो देंगे ही देंगे। अगर ऐसा कुछ क्लॉस है तो चेक करना पड़ेगा, हो सकता है वो क्लॉस इस लेबर को कहां पे ले जाए, इनडायरेक्ट। टू द सम अप अगर मैं करूं, ऑन द पेपर आप एक सोच लेके नहीं जा सकते कि यार ये लेबर डायरेक्ट ही होगी, आपको क्वेश्चन की पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा, अगेन वो बेसिक में आना पड़ेगा, क्या क्या ये पेमेंट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन बात वो आपको क्रक्स पकड़ना है, जो आप पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में देखना आपको मिलेगा, यार इस क्वेश्चन में अपन ने लेबर को क्या माना, डायरेक्ट। जस्ट दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें क्या मिल जाएगा आपको, इनडायरेक्ट। तो बच्चा फिर वहां पे कंफ्यूज, यार अपन ने तो डायरेक्ट किया था। नियम एक है, चेंज होना चाहिए खर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड किसके कारण, प्रोडक्शन। यहां पे प्रोडक्शन क्या है, शर्ट। शर्ट के कारण अगर मेरा पेमेंट चेंज होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होगा, 100% मैं उसे डायरेक्ट कॉस्ट मानूंगा, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी हो। बड़ू समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ इनडायरेक्ट कॉस्ट में, तो ढेरों एग्जांपल है, मैं बताऊं इनडायरेक्ट कॉस्ट के जितने कंपोनेंट्स है ना वो मोर और लेस हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होगा, कौन सा कंपोनेंट, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट वाले तो लगभग 90-95% कॉमन ही मिलना है। क्या क्या ऐसे खर्चे जो चेंज ही नहीं होते, पहले इसकी बात कर ले अपन। शर्ट बनाओ, कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, वो खर्चे चेंज ही नहीं होंगे। रेंट, और बोलो, रेंट आ गया इधर, फिर बोलना। इलेक्ट्रिसिटी पे मैं आता हूं अभी ना, उस पर अच्छा डिटेल टॉपिक है। फिर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई का मतलब यहां पे वेजेस आएगा क्या, यहां पे वेजेस आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। अगर वो वेजेस कैसे हो, टाइम डिपेंडेंट। मैं बस आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, बिल्कुल भूल जाना, नाम से आप नहीं बोलेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। पेपर बनाने वाला बड़ा चतुर है, उसको पता है बच्चा क्या सोचता है, वो जानबूझ के वो वर्ड यूज करेगा। अपने को कोई मतलब नहीं है, वेजेस बोल रहा है तू, सैलरी बोल रहा है, नॉमेनक्लेचर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम देखेंगे भाई क्या तू प्रोडक्शन के कारण चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। हमारा क्राइटेरिया तो एक अकेला है। और बोलो, ढेर हो इसमें तो, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट। कुछ ऑथर इंटरेस्ट कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते ना, वो फाइनेंस कॉस्ट मानते, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ऑथर्स जो है वो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट को यहाँ का पार्ट मानेंगे। और क्या लिख सकते हैं अपन, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ढेर हो यहाँ पे तो। और जनरली आप देखेंगे जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे मैंने लिखा हूं, इंडस्ट्री चेंज हो जाएगी लेकिन खर्चे के नॉमेनक्लेचर मोर और लेस वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आएंगे, बस जो चेंज होता है वो कहां पे, डायरेक्ट कॉस्ट में चेंज होगा। चलो इधर डायरेक्ट में लिखना भाई, अलग से नीचे लिखना ना, उसमें नोट कर दूं क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल लिखना है। पहली लाइन लिखना उसमें, किस बंदे को पेमेंट दिया जा रहा है। अपन जनरल लैंग्वेज ज्यादातर यूज करते हैं ना, ताकि वो पढ़ने में बाद में आपको डायरेक्टली दिमाग में क्लिक हो। किस बंदे को पेमेंट जा रहा है इससे डिसाइड नहीं होगा, किस बंदे को पेमेंट जा रहा है इससे डिसाइड नहीं होगा कि वह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। किस बंदे को पेमेंट जा रहा है इससे डिसाइड नहीं होगा कि वह डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। सेकेंड पॉइंट, अगर वर्कर का पेमेंट, अगर वर्कर का पेमेंट टाइम डिपेंडेंट हो, अगर वर्कर का पेमेंट टाइम डिपेंडेंट हो, दैट इज पर आवर कॉमा पर वीक, पर आवर कॉमा पर वीक और पर मंथ,
कॉमा दैट पेमेंट विल ऑलवेज बी, बोले क्या होगा वो? इनडायरेक्ट. दैट पेमेंट विल ऑलवेज बी इनडायरेक्ट. थर्ड पॉइंट लिखिए रेड पेन से, आज हो तो ठीक है, नहीं तो जो अंडरलाइन कर दीजिएगा. लेकिन कल से बिल्कुल लाना है आपको ना, कॉपी आज से ही मेंटेन करना है ताकि रिवीजन में क्या क्या आपने को पढ़ना है वो अभी से क्लियर हो जाए. रेड पेन से लिखिए इसको. वर्कर को अगर पेमेंट शर्ट वाइफ जाएगा, वर्कर को अगर पेमेंट शर्ट वाइज जाएगा कॉमा तो ही वह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगा. वर्कर को अगर पेमेंट शर्ट वाइज जाएगा दैट इज प्रोडक्शन वाइज जाएगा तो ही वह डायरेक्ट लेबर कहलाएगा. पहला चेंज इसी में, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कॉमा इफ द कंपनी हैज अ क्लॉज ऑफ मिनिमम गारंटीड वेजेस. एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इफ द कंपनी हैज द क्लॉज ऑफ मिनिमम गारंटीड वेजेस. कुछ भी कंफर्म नहीं है यहां पे, कुछ भी खर्चा डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो सकता है. क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है, पहले की सोच कोई काम नहीं आएगी समझ अगर रखे अपन तो. अभी बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बता दो, टाइम पास ही अब तो आला क्वेश्चन. फर्नीचर मेकर के लिए डायरेक्ट कॉस्ट, पहले इनडायरेक्ट में तो बोलना ही नहीं, वो ले देके वही कॉमन चीज जाना है, वुड आएगा फिर आयरन, फिर नेल्स, फेविकॉल, माइका, ये सब चीजें क्या कहलाएगी उसके लिए? डायरेक्ट. जितने भी एग्जांपल बताया ना आपने ये डायरेक्ट मटेरियल के हैं. डायरेक्ट लेबर कहां? वही पॉइंट, कारपेंटर को पेमेंट दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कारपेंटर को पेमेंट पर यूनिट ऑफ फर्नीचर दिया जा रहा है क्या? अगर उसको पर डाइनिंग सेट में दे रहा हूं कि भैया एक डाइनिंग सेट बनाएगा इतने रुपए, तो डेफिनेटली क्या जाएगा वो? डायरेक्ट लेबर. अगर उसको मैं पर चेयर पेमेंट दे रहा हूं, प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो वो डायरेक्ट जाएगा. जहां पर आवर, पर वीक, पर मंथ पेमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो डायरेक्टली वर्क कर रहा हो किसमें? प्रोडक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा. ठीक है, अब एक C3 वाली कंडीशन अपन ने लिखा था, अब इसको समझिए क्या है. अभी लिखना मत, मैं लिखाऊंगा इसको. अभी अभी आपने शर्ट मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लिया, इसमें आपने बटन्स को और थ्रेड को कौन सी कॉस्ट बोला है? डायरेक्ट कॉस्ट बोला है. ठीक है, अभी अभी अपन ने फर्नीचर का ओरली ऐसे डिस्कस किया, इसमें नेल्स जो है कील, ये आपने डायरेक्ट बोला है, और भी ऐसे छुटपुट कोई खर्चे होंगे तो आ जाएंगे. डायरेक्ट है क्या? सही में डायरेक्ट है? मेरे सवालों के ट्रैप में मत फंसना ना, नहीं तो आपको लगेगा नहीं यार होता तो पूछते क्यों, है ना. आधा बच्चा तो यहीं पे लॉजिक डेवलप करता है. तो बटन, शर्ट, शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए, फर्नीचर मेकर के लिए, नेल्स, क्या सही में डायरेक्ट है? क्या दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो? और भी है, मारुति के लिए नट्स एंड बोल्ट्स, मारुति का जो लोगो होता है वो, साइड मिरर जो है वो चीजें, ये डायरेक्ट है? एक कार मैन्युफैक्चरर के लिए नट्स एंड बोल्ट्स, जो उसके कंपनी का लोगो होता है वो, नहीं 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 डिपेंड नहीं करेगा बेटा. ऊपर वाली दो कंडीशन से क्या सही में डायरेक्ट है? हां तो क्यों हां, ना तो क्यों ना. मैं इस पर कोई प्राइस नहीं रखना चाहता हूं, तो सिल्क वगैरह जनरली रहती है अपनी इसमें. बहुत सिंपल सवाल है इसलिए मैं नहीं रख रहा हूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा, वो बिना मेहनत के अंदर हो जाएगी वो. कोई ऐसी बताना चाह रहा है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, पहले तो ये बताना. डायरेक्ट है? क्या बात कर रहे हो यार, बटन और थ्रेड शर्ट के लिए डायरेक्ट है? इसमें इतना सवाल पूछने की जरूरत क्या? डायरेक्ट है,
हाँ बिल्कुल है, नट्स एंड बोल्ट्स कार मैन्युफैक्चर के लिए बिल्कुल डायरेक्ट, जितने लगने हैं उतने ही लगना है ना कार मैन्युफैक्चर में। लोगो अगर उसका फ्रंट और बैक में है तो जितने लोगो लगाना है उतने ही लगाएगा। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, अगर आप इस डायरेक्ट के अलग अलग कंट्रोल अकाउंट खोलते जाएंगे, अगर मैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात करूं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जितने लेजर आप ओपन करेंगे। 99 नहीं 100%, ये जितने भी एग्जाम्पल अपन ने लिखा है ये पूरे एग्जाम्पल दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। बटन्स उसी प्रोपोर्शन में लगेगी जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट बनाने में 10 बटन, तो भाई कितनी भी शर्ट बना लो ना मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 10 ही होगा। नट बोल्ट्स कार मैन्युफैक्चरर में जितने लगना है एक में उसको जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किसके बाद, नंबर ऑफ कार यू हैव मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, सेम लगना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है अगर इतने सारे हर के अपन लेजर बनाते चलेंगे तो चीजें क्या होते चलेगी, कॉम्प्लिकेटेड। तो थर्ड कंडीशन ये बोलती है, माना तुम्हारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, लेकिन अब थर्ड कंडीशन बोलती है क्या अमाउंट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है मतलब क्या मुझे उसके लिए अलग से कंट्रोल रखने की जरूरत है। कंट्रोल कैसे रखा जाएगा, अलग से लेजर खोल देंगे ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन ऑफ मटेरियल से रिलेटेड अलग से रिकॉर्ड होगा तो वो हाईलाइटेड रहेंगे हमेशा कितना मटेरियल लगा है। तो क्या वो थर्ड कंडीशन बोलती, क्या ऊपर वाली दोनों कंडीशन से जो फुलफिल करके आपकी कॉस्ट आ रही है क्या वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट किस में, रुपए में या परसेंटेज में, क्या लगता है आपको किस में चेक करेंगे, रुपए में या परसेंटेज में, कुछ भी चलेगा सर, ऑलवेज परसेंटेज में। एक 10 रुपए की चीज शर्ट मैन्युफैक्चरर के लिए या दूसरे के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन एक 1,000 रुपए की चीज कार मैन्युफैक्चरर के लिए इनसिग्निफिकेंट होगी क्योंकि उसकी कॉस्ट ही 3 लाख रुपए आ रही है। 3 लाख में अगर आप 1,000 देखोगे तो कोई मायने नहीं रखता। इस पे कोई नियम नहीं है ना आईसीआई के द्वारा ना कोई इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा कि सिग्निफिकेंट क्या और इनसिग्निफिकेंट क्या। जनरली अपन बोल देंगे 1-2-2-3% तक है तो क्या मान सकते हैं अपन उसको, इनसिग्निफिकेंट उसके ऊपर जाता है अगर आपका एक इंडिविजुअल कॉस्ट, तो फिर अपन मानेंगे नहीं यार इस पे कंट्रोल की जरूरत है, इस कॉस्ट को हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो हम उसको सही में वो डायरेक्ट थी या नहीं थी, डायरेक्ट थी, और सही में हम उसको फाइनली जो डेफिनेशन देंगे वो किसका देंगे, डायरेक्ट कॉस्ट का देंगे। और सोचो एक बार, C1 C2 फुलफिल होके आ रही है जितने एग्जाम्पल लिखे है ना। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए शर्ट मैन्युफैक्चरर के यहाँ, वो खर्चा आ रहा है मान के चलो 400 रुपए डायरेक्ट का, बटन और थ्रेड यार कितने रुपए के लगेंगे, 10-15 रुपए के आउट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट हो गया कि हम इसके लिए अलग से कंट्रोल रिकॉग्नाइज करें, नहीं। तो ये बोलेंगे कि भैया फैब्रिक जो है अनडाउटेडली वो आपके टोटल कॉस्ट का एक अच्छा खासा पोर्शन है, लेकिन जो बटन और थ्रेड है वो उतना सिग्निफिकेंट पोर्शन बिलोंग नहीं करते, तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तो वर्ड सुनना, क्या लॉजिकल पर्पस के लिए नहीं, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए इन बटन और थ्रेड को वेरिएबल ओवरहेड मान लिया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं बोला मैंने, क्या बोला, वेरिएबल ओवरहेड। क्या पर्पस के लिए, सिंप्लिफिटी। लॉजिकली तो ये क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कॉस्ट ही होना चाहिए, लेकिन सिंप्लिफिटी पर्पस के लिए हम इसको क्या मानेंगे फिर, वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं, क्या बोला, वेरिएबल, जो चेंज होगा किसके चेंज होने पर, प्रोडक्शन, लेकिन उसका अमाउंट क्या है भाई, इनसिग्निफिकेंट है। तो हमने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए उसे क्या मान लिया, वेरिएबल ओवरहेड। बोलना नहीं है, एक रेस्टोरेंट में अगर अपन चले, वो क्लाइंट है मान के चलो अपना, इसका कौन सा ऐसा खर्चा है जो है डायरेक्ट, होटल नहीं बोला मैंने, रेस्टोरेंट बोला, है डायरेक्ट लेकिन C3 फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए हम उसको ओवरहेड की कैटेगरी में बायफर्केट कर देंगे। बोलना नहीं है, बस सोचना है। डोमिनोज चलो या पिज्जा हट चलो, चलो मतलब यहां पे है ना, कोई भी एक एग्जांपल आपको लेना पड़े, डोमिनोज ले लो आप, नहीं नहीं रुको तो बोलो मत, डोमिनोज ले लीजिए आप, ऐसे खर्चे बताइए डोमिनोज के जो है बिल्कुल डायरेक्ट, कोई डाउट ही नहीं है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वो नंबर ऑफ पिज्जा के ऊपर है ना, जितने ज्यादा बनेंगे उतना उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा लगेगा, लेकिन अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है इसलिए उसको इनडायरेक्ट मानेगा वो। अरे रुको सर 2 मिनट सोचता हूँ तो दो फको, सनी का तो मन चल गया, बोले चलो अपन तो ब्रेक में ना कैचअप ले सकते हैं, स्पाइसेस ले सकते हैं, ये चीजें बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होगी भाई है ना, जो उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लग रहा है, लेकिन अमाउंट इतना इनसिग्निफिकेंट है कि मैं अलग से इसका खर्चा रिकॉग्नाइज ना करके इसको एक कॉमन बकेट में डाल दूंगा जिसका नाम क्या है, वेरिएबल
ओवरहेड। जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप एफआई करते हो, कंपनी लॉ भी बोलता है इंडिविजुअली आपको खर्चे बताने की जरूरत नहीं हो। कुछ क्लॉस है 50,000 या 1%, मैं भूल रहा हूँ वो कुछ पढ़ा आपने कभी, 50,000 या 1%, अगर उससे कम का खर्चा है तो आपको उसको पीएनएल अकाउंट में अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लब कर देंगे कहां पे, जनरल एक्सपेंसेस के नाम के। तो मोर और लेस वही थीम है यहां पर भी। तो एक बहुत नया पॉइंट है आपके लिए, फी थ्री है वो खर्चा कौन सा डायरेक्ट, लेकिन अमाउंट क्या है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड विथ परसेंटेज नॉट विथ डायरेक्ट रुपी, है ना। तो हम उसको बोलेंगे फिर वो अगर सिग्निफिकेंट हुआ तो भैया तू डायरेक्ट है और डायरेक्ट ही रहे टाइम है, और इनसिग्निफिकेंट हुआ तो हम उसको सिंप्लिसिटी या लॉजिकल, सिंप्लिसिटी के लिए क्या मानेंगे वेरिएबल ओवरहेड। लिखो फी थ्री, सच कॉस्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंट, सच कॉस्ट मस्ट बी सिग्निफिकेंट when compared with total cost per unit of the product, such cost must be significant when compared with total cost per unit of the product. Red pencil na significance is to be determined through percentage, significance is to be determined through percentage of cost. चलिए एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन फिर इसके बाद ब्रेक लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे बच्चों ने अभी ऊपर वाले एग्जांपल्स में लिखा था, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी को आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा एट फाइनल लेवल। इलेक्ट्रिसिटी करके कोई एक सिंगल हेडिंग में नहीं जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक बार इमेजिन कीजिए, दो चार्जेस आते हैं यहां पे मेजर, वो टैक्सेस को हटा दे अपन। पहला एनर्जी चार्जेस, मतलब जो एनर्जी चार्जेस डिपेंडेंट ऑन दिस अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन कंजम्पशन, आपने कितना कंज्यूम किया, और दूसरा एक फिक्स चार्जेस। चलो ये तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी को बायफर्केट किया, मैं सब लिखाऊंगा ना, पूरा ध्यान आपका संबंध में होना चाहिए अभी। इलेक्ट्रिसिटी को पूरे फाइनल लेवल की कॉस्टिंग में हम दो पार्ट में बायफर्केट करेंगे, पहला पावर और लाइटिंग। पहले जनरल मतलब आप बताइए आप क्या समझते हैं इन दो टर्मोलॉजी से। कभी भी आपको एक क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ड नहीं मिलेगा, या तो वहां पर पावर मिलेगा या तो लाइटिंग मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक सेमी वेरिएबल ओवरहेड की कैटेगरी में जाता है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड का कोई रोल नहीं है, आपको उसको बायफर्केट करना पड़ेगा पावर और लाइटिंग में। कैसे बायफर्केट करें, क्या सोच है वो बताइए, फिर अपन इसको डिस्कशन करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है पावर और लाइटिंग, पीछे का जवाब आएगा आज, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अरे बोलो ना बेटा, तीन बेंच में कोई भी, पावर और लाइटिंग बोलो बेटा, सेकेंड बेंच से आंसर आएगा और डिस्कशन कर रहे हो, बोलो। शब्द नहीं मिलते सर, हम समझ गए क्या बोलना है, बस प्रॉब्लम ये हमारी नहीं, तो बहुत टैलेंटेड है हम, शब्द नहीं मिल पाते। कोई बोल रहा है अपने मन से, रुको बेटा और कोई, पावर और लाइटिंग बहुत जनरल वर्ड है बेटा, बोलते चलो, गलत वलत का कोई टेंशन नहीं है यहां पे, किसी को आता थोड़ी ना यहां पे। वो सिंपल, इसमें इतना पूछने की जरूरत ही नहीं है, सही है। देखो पावर की जो डेफिनेशन है ना आपके माइंड में यही है, जो मशीन्स के द्वारा जो कंजम्पशन हो रहा है वह पावर। बस मैं इस नॉलेज में एक चीज और अपडेट करूंगा, मशीन्स नहीं प्रोडक्शन मशीन्स, बहुत अंतर है मशीन्स और प्रोडक्शन मशीन्स में। प्रोडक्शन फैसिलिटी में कंप्यूटर सिस्टम होना आज की तारीख में बहुत आम बात है प्रोडक्शन, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है, मशीन को कूल रखने के लिए बिल्कुल एयर कंडीशनिंग लगाई जाती है, प्रिंटिंग प्रेस में तो खासकर होता ही है, मशीन हीट ना खा जाए उसके लिए एयर कंडीशनिंग लगाई जा रही है, वो भी तो मशीन है, उसके द्वारा भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। हर मशीन के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो पावर नहीं है, ऐसी मशीन जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज है,
इनडायरेक्टली बहुत सारी मशीन एंगेज है, एयर कंडीशनिंग है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, दे आर नॉट द चार्जेस ऑफ पावर, दे बिलोंग टू द लाइटिंग कैटेगरी। पावर जब भी अपन बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, ऐसी मशीन्स जो डायरेक्टली किसमें एंगेज है, प्रोडक्शन में एंगेज है। मतलब अगर वो मशीन चल रही है तो सही में प्रोडक्शन हो रहा है, वो मशीन आधी घंटे के लिए अगर बंद है, 15 मिनट के लिए बंद है तो हमारा प्रोडक्शन भी बंद हो गया। तो ऐसी मशीन्स के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाएगी हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, पावर। इसका मतलब लाइटिंग में मशीन्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है वो भी आएगी, लेकिन कौन सी मशीन होगी, वो नॉन प्रोडक्शन मशीन। नॉन प्रोडक्शन मशीन्स के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है वो लाइटिंग। और जैसा संजीरी ने बताया ये तो लाइटिंग है ही जो आपको दिख रही है, इसके द्वारा जो कंजम्पशन होना है वो तो आना ही आना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो एक फिक्स पोर्शन है डेफिनेटली वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, लाइटिंग की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि हम पावर को क्या बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो बिल्कुल डायरेक्ट प्रपोर्शन में बदलेगी किसके अकॉर्डिंगली, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली, तो हम उसको पावर टर्मोलॉजी बोलेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कहां भी कंज्यूम हो रही हो, नॉन प्रोडक्शन मशीन या आर्टिफिशियल लाइटिंग में, तो हम उसको एक टर्म बोलेंगे क्या, लाइटिंग। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं ब्रेक के बाद, पूरा और समझना है इसमें कुछ चीजें। तो 1941 हुआ है, मिलते हैं अपन 1956 को, थोड़ा टाइम टू टाइम चलते भाई अपना ना, 1956 को शार्प।